ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون إنما مثل الحياة الدنيا كما أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض

अल्लाह मफ नफुद्दीन बिस्मिल्लाम आज की दुआ, आ, कुरान के बारे में है और आज का मौजू ताला दुआ जो मैंने चुनी है वो, वो मुझे उम्मीद है कि हम में एक अक्सरियत को आती होगी और एक खूबसूरत दुआ है जो कि कुरान के बारे में इसको पढ़ते हैं बस्मिल्लाम है अल्लानी आबदू का وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ما في حكمك عدل في قداؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك थुणी वज़ाग थुणी वज़ाग थुणी वज़ाग थुणी इसका मैं तेरा बंदा हूँ और तेरे बंदे का बेटा हूँ तेरी बंदी का बेटा हूँ मेरी पेशानी तेरे काबू में है मेरे हक में तेरा हुक्म जारी है तेरा फैसला मेरे बारे में इंसाफ के साथ है मैं सवाल करता हूँ तेरे उस नाम का जो तूने अपने लिए पसंद किया या अपनी किताब में तूने ने उतारा या अपनी मखलूक में से किसी को सिखाया है या अपने गैब में तूने इसको इख्तियार कर रखा है कि तू कुरान को मेरे दिल की बहार मेरे सीने का नूर बना दे और मेरे रंजम को मेरी परेशानियों को दूर करने का दरिया बना दे इंशाल्लाह ताला कुरान के बारे में जितना भी अल्लाह तला ने तोफीक दी तो देखेंगे इनशाला और फिर दावत इलाह यानी यही कुरान जो के अल्लाह रबुल आलमीन की जानब मोहम्मद के पास आया उन्होंने इसकी दावत दी और फिर बाकी आगे से इसकी दावत देना जो हमारी जिम्मेदारी है हम इन देखेंगे। <coughs> सूर्य फातिर आयत नंबर पंद्रह से शुरू करेंगे सूर्य फातिर का आगाज हम कर चुके हैं सूर फातर और सूर सबा दोनों आपस में जोड़ा है और सूरह फातर फातर बनाने वाले को कहते हैं और इसमें अब अब तक जो अब हमने अब भेजी फरिश्ते थे शैतान का तस्करा था उसमें इंसान का तस्करा था तो ये उसकी मखलूक़ात थी जिसका तस्करा था आप इनशा आगे पढ़ते हैं रहीम लोगो तुम ही तुम ही अल्लाह के मोहताज और अल्लाह तो गनीद वो चाहे तो तुम्हें हटाकर कोई नई खलकत तुम्हारी जगह ले आए ऐसा करना अल्लाह के लिए कुछ भी दुश्वार नहीं है अल्लाह की तरफ मोहताज हो अल्लाह के अल्ला के मोहताज और अल्लाह तो गनी उ हमीद है अब ये मोताजी जो है यह हम पहले भी इस तरह की शनोत की आयत जो है वो पढ़कर आए थे जब बनी इसराइल के ए, लोग जो थे वो इस बात को मजाक बनाया करते थे कि लो तुम कहते हो अल्लाह की राह में खर्च करो तो क्या अल्लाह तुम्हारा मोहताज है अल्लाह तुम्हारा फकीर है तो यहाँ अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम असल में अल्लाह ताला के क्या मोहताज हो अल्लाह किसी भी पहलू से मोहताज नहीं है अल्लाह तो गनी और हमीद है अल्लाह तला की जे नहाज़ है उन तमाम चीजों से जुमियावी जरूरियात से जो तुम्हारे साथ लगी हुई है उसके पास दुनिया के बादशाहत और ख़जाने मौजूद हैं लेकिन वो इन चीज़ों से बेनियाज है और वह हमीद है उसकी तारीफ की गई है उसको इन पहलुओं से तारीफ नहीं चाहिए अगला जो टुकड़ा है वो चाहे तो तुम्हें हटा कर कोई नई खलकत तुम्हारी जगह ले आए ऐसा करना अल्लाह के लिए कुछ भी दुशवार नहीं है नबी करी हजरत उमर रजी अल्लाह तुम की रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला इस किताब के जरिए बादस कौमों को ऊपर उठाएगा और बास को पस्ती में फेंक देगा कुरान मजीद, दुनिया में इज्जत और और आखरत में निजात और फिला की राह दिखाता है वो दोनों जहाँ की कामयाबी का जामिन है इससे तरक्की की राहें खुलती हैं और इफ्फत और बुलंदी नसीब होती है जिस शख्स का कुरान पर सही माने में ईमान हो और जिसे इसका इल्म और, फहम और बसीरत हासिल हो जिसके अहकाम का पाबंद हो जिसकी सीरत उखलाक जिसके अमाल जरत उमर रजी अल्लाह ने नाफे बिन अबारिश को मक्का का गवर्नर मुकर किया एक मरबा उन्होंने मकामी उजरत उमर से मुलाकात की उन्होंने दरियाफ़ किया कि मक्का में किस शख्स को तुम अपना नायबना कर आयो उन्होंने कहा इब्ने अब्जा को हज़रत हज़रतमर रजिया ने ताज्जुब से पूछा ये इब्ने अब्जा कौन है उन्होंने कहा वो हमारा आज़ाद करदा गुलाम है हजरत उमर ने फरमाया तुमने अहले मक्का पर एक आज़ाद करदा गुलाम को अपना नायब मुकर कर दिया उन्होंने अर्ज किया मोमिनीन वो कारी है कुरान की सही तिलावत करता है फ़रज़ यानी काम विरासत से वाकिफ़ है और काजी है ये सुनकर हजरत उमर रजी अल्लाह तु ने फरमाया मैंने रसूल्म का अशाज सुना है और वो सही आ साबित हो रहा है कि अल्लाह ताला इस किताब के जरिए कुछ लोगों को बुलंदी देगा बुलंदी कर पहुंचाएगा और कुछ लोगों को पस्ती में डाल देगा यही बात उम्मत की सतह पर भी सही है जब तक उम्मत इस किताब से रहनुमाई हासिल करती रही करती और खुलूस के साथ इस पर अमल करती रही वो दुनिया में सरबुलंद रही लेकिन जब उसने इसे पते पुष्टाल दिया और उसके तो रहनुमाई से सर हदायत रहनुमायदानी अख्तियार कर ली जवाल और पस्ती दामनगीर होगी अब भी ये किताब उसे आवाज़ देती है कि आओ मुझे मजबूती से पकड़ो तो तुम ही सरबुलंद रहोगे तो ये आयत थी कि वो चाहे तो तुम्हें हटा कर कोई नई कल तुम्हारी जगह ले आए ऐसा करना अल्लाह के लिए कुछ भी दुशवार नहीं कोई बोझ उठाने वाला किसी दूसरे का बोझ ना उठाएगा और कोई हुआ नफ्स अपना बोझ उठाने के लिए पुकारेगा तो उसके बार का एक अदना हिस्सा भी बटाने के लिए कोई ना आएगा चाहे वो करीब तरीन रिश्तेदारी क्यों ना हो इस तरह के आय पहले भी पड़ चुके हैं ताजिरु ताजिरु कोई उठाने वाला किसी का बोझ न उठाएगा इसमें एक तरफ तसली है कि दूसरे अगर गलत करते हैं तो उसका बोझ मेरे ऊपर नहीं आएगा लेकिन दूसरी तरफ इसमें जहरा फिक्रमंदी है कि हम जो भी अमाल अंजाम दे रहे हैं उसका बहरहाल एक बोझ जो है वो हमारे कंधों पर होगा जिसको लेकर हम मल्ला रबीन के पास हाजिर होंगे आगे तर्जमा और नबी सलम तुम सिर्फ उन्हीं लोगों को मुतनव्विक कर सकते हो जो बेदिखे अपने रब से डरते हैं और नमाज कायम करते हैं यहाँ पे लफ्ज आया है इन नमतुसिरुल् लजीना यक्षौना रब्बहु इसको हम इंशाल्लाह तला आज अ कदर तहसील से देखेंगे यहाँ पे जो खसूसियात आई हैं वो अफराद जिनको के अल्लाह रब्बुल आलमीन कहते हैं कि जिनको जो के इस हिदायत से फायदा उठा सकते हैं उसकी दो सिफारत आई हैं खास तौर पे पर रबाउ बिल गैबी वो गैब में अपने रब से डरते हैं वाकलात उर्दो और, और नमाज कायम करते हैं यानी जिस शख्स के अंदर ये दो खसूसियात होंगी उसके पास फिर भी चांस मौजूद है कि आप उसको दीन की बात समझाएं या उसको कोई भी पॉइंट समझाया जाए तो वो उसको एक्सेप्ट करेगा और अगर ऐसा ना हो या दो खफूसियात ना हो तो फिर चांस कम है कि इंसान अकाउंटेबिलिटी के एहसास के बगैर अल्लाह के आगे जवाबदेह होने के एहसास के बगैर फिर इम्कान कम हो जाता है कि इंसान उससे कुछ भी सबक जो है वो हासिल करे आगे टुकड़ा है और जो शख्स भी पाकिजगी अख्तियार करता है अपनी ही भलाई के लिए करता है वह मन तजक का फा इन नमा या तजक का ये लफसी ही जो कोई तस्किया इख्तियार करेगा यानी तस्किया जो है ये किसी के दूसरे की जरूरत नहीं है मेरी अपनी जरूरत है और अगर इंसान तस्किया अख्तियार करता है तो उसमें इसकी अपनी ही भलाई है इंसान की इसमें किसी दूसरे की भलाई नहीं है लेकिन तस्किया भी बिल्कुल जाती चीज़ है अपना ही करना है इसमें एक टेक्स्ट है की मौजूदा दुनिया एक ऐसी दुनिया है जहां इंसान के लिए बैक वक़्त दो इम्कान छुपे हुए हैं अपने अंदर पकीजा अखलाकी शख्सियत तमीर करने का इम्कान या फिर अपनी शख्सियत को अखलाकी है आलूदा कर लेने का इम्कान ये दोनों इम्कान हर शख्स के लिए और हर हाल में मौजूद हैं जिस आदमी ने इन इम्कान को एक पहलू से इस्तेमाल किया उसने अपने आप को कामयाब बना लिया और जिसने इन इम्कान को दूसरे पहलू से इस्तेमाल किया उसने अपने आप को नाकाम बना लिया मौजूदा दुनिया तरह तरह के हालात से भरी हुई है यहाँ बार बार मुख्त किस्म के इंसानों से साबका पड़ता है इन्हीं हालातों वाक्यात के दरम्यान इंसानी शख्सियत की तमीर होती है मसन आपके साथ पकती तौर पर नुकसान का एक वाक्य पेश आया अब अगर इस वाक्य को आप मुस्तकिल वाक्य समझे तो आप सिर्फ दिल शिकस्ता होकर रह जाएंगे इसके बरक्स अगर आप इसको सिर्फ एक वक्ती वाक्य समझे तो आप बदस्तूर हौसला और हिम्मत के साथ अपना काम जारी रखेंगे इसी तरह कुछ लोगों ने आपके खिलाफ इश्त अंगेजी कर दी इसके बाद अगर आप भड़क उठे तो आपने अपनी यकसुई में खलर डाला और अगर आप सब्र और तहम्मुल के साथ इसका सामना करें तो गोया आपने अपनी जहनी यकसुई को बरकरार रखा इसी तरह कभी आदमी महसूस करता है कि उसके आस पास के लोग उसको अहमियत नहीं दे रहे हैं ऐसा वाक्य अगर इसको अहसास कमतरी में मुबला कर दे तो उसकी सलाहियतें ट्विटर पर रह जाएंगी इसके बरक्स अगर वो इस मामले को अपनी नाकस तैयारी पर महमूल करे तो इस वाक्य से मजीद अमल की गजा लेगा और ज्यादा मेहनत करके मुस्तबिल में इस चीज को पालेगा जिसको वो हाल में पाए हुए नहीं था इसलिए तजकिया जो है ये असल में इंसान की अपनी कमजोरियों को पहचानते हुए अपने आप को मुस्तकिल मिजाजी के साथ ऊपर लेके जाने का नाम है आगे तर्जा है और पलटना सबको अल्ला ही की तरफ है अंधा और आंखों वाला बराबर नहीं ये खूबसूरत आयात है वमां यस्तविल आमा वाल बसी वुलमत नूर वरूर वम्बात इम्लास्म फिलकबूर ये खूबसूरत फिल आयात है अंधा और आंखों वाला बराबर नहीं है न तारीखियाँ रोशनी यकसा हैं ना ठंडी छाओ और धूप की तपिश तप एक जैसी है और न जिंदा और मुर्दे मसावी है अल्लाह जिससे चाहता है सुनवाता है मगर ए नबी सो नहीं सुना सकते जो कब्रों में मदफून है अब इसके अंदर इन सारी चीजों का दो तरह के मफहमत है इसमें असल में एक तरफ काफिर और एक तरफ मोमिन का हाल जो है वो बताया गया है मिसाल जो है वो हमें वाजे तौर पर समझती है आती है अंधा और आंखों वाला एक जैसा नहीं है अंधेरा और रोशनी एक जैसे नहीं है धूप और छांव एक जैसी नहीं है जिंदा और मुर्दा एक जैसे नहीं है अब ये मिसालें जो है ये मोमिन और काफिर के हाल और मुस्तबिल का फर्क बताया गया है एक वो शख्स है जो हक से आंखें बंद किए हुए हैं और कुछ नहीं देखता कि कायनात का सारा निज़ाम की 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 कर रहा है और दूसरा वो शख्स है, है और वो साफ देख रहा है कि उसके बाहर और अंदर की हर चीज खुदा की तोहद उसके हजूर इंसान की जवाबदेही पर गवाही दे रही है एक वो शख्स है जो जाहलाना उहाम और मफरूजातों की तारीखों में भटक रहा है और पैगम्बर की रोशन की हुई क्षमा के करीबी फटकें

और दोनों ही मनकर फना हो जाए ना एक को बदराही की सजा मिले और ना दूसरा रास का कोई अंजाम पाए ठंडी और धूप की तपिश एक जैसी नहीं है क्या इशारा इसी अंजाम की तरफ है कि एक अल्लाह के साया रहमत में जगह पाने वाला और दूसरा जहनों की तपश में झुलने झुलसने वाला है तुम किस ख्याल खाम में मुतला हो कि आखिरकार दोनों एक ही अंजाम से दो चार होंगे आखिर में मोमिन को जिंदा और हरदम काफिरों को मुर्दा से तशरीफ गई है यानी मोमिन वो है जिसके अंदर एहसास और, और फेहर मौजूद है और उसका जमीर उसे भले और बुरे की तमीज से हर वक्त आगाह कर रहा है पूरी तरह गर्क हो चुका है उसका हाल उस अंधे से भी बढ़तर है जो तारीखी में भटक रहा हो उसकी हालत तो उस मुर्दे की सी है जिसमें कोई हिस्स बाकी नहीं रही है मुकुनान में उन्होंने उसकी वजाहत जो है वो की भी है और इससे अंदाजा होता है कि और इसमें जो आखिरी टुकड़ा है और तुम उनको नहीं सुना सकते जो कब्रों में मदफून है यानी वो अफराद ये कबर फिर हमारे दिल भी हैं, जो कि असल में बंद हो चुके हैं और ये कबर फिर वो कबरें भी हैं जिसमें हम अपनी जिंदगी है, जो हैं, वो गुजार रहे हैं ये दुनिया की जिंदगी भी फिर एक ऐसी खबर ही है जिसके अंदर वो ठीक चीजों को नहीं दे सकते हैं लेकिन ये बहरहाल ये आय जो है ये इंसान को आमादा करती है गौर वफिक्र करने के ऊपर और अमली तौर तो पर अपनी जिंदगी के अंदर उन पहलुओं को चेक करने के ऊपर जो इंसान को अल्लाह ताला की रोशनी की तरफ और अल्लाह ताला की हिदायत की तरफ और अल्लाह ताला ने जो जिंदगी दी है उसकी तरफ और बसारत की तरफ और बसीरत की तरफ लेकर जाती है यानी ये एक प्रैक्टिकल असल में चीज है यहाँ एक टैक्स है हजरतली कहते हैं जो उस खुदा के काम मखलूक को पहुंचाए पहचाने का जिम्मा ले उसे सुन्नत की हिफाजत करनी पड़ती है ये एक छोटा सा कॉल है मगर अपने अंदर मानी का समंदर रखता है जिस किसी के दिल में खुशकिस्मती ये शौक पैदा हो जाए कि खुदा तला की मखलूक को उसके दिन से मुतारफ करवाऊँ, उसे याद रखना चाहिए कि जिन लोगों के आगे वो खुदा के दिन को पेश करेगा वो पहले खुद उसके अपने अफ़ाल को देखेंगे कि जिस निजाम को यह हमारे सामने पेश कर रहा है खुद उसकी अपनी पर क्या असर डाला है और अगर वो देखेंगे कि उसकी अपनी जिंदगी इसकी बरकत से खाली है तो वो इसकी जुबान से पहुंचाए हुए पैगाम पर ज्यादा भरोसा नहीं करेंगे जैल में एक छोटा सा वाक्य बयान किया जाता है जो बेहद इबरत पजीर है इबरत अंगेज है क्या पाकिस्तान से पहले जब लोह सुबह सुबह एक, एक और हिंदू औरत अपने अब अगर इस औरत को बताया जाता की मुसलमान तौर तो पर तो सुबह की नमाज फर्ज है जिसका सही वक्त रूयाफ्ताब के साथ ही खत्म हो जाता है तो उसे काहे के लिए यकीन करना पड़ता क्योंकि उसने अपने इर्गिद जो देखा था वो तो यही था कि मुसलमान दिन चढ़े तक सोए रहते हैं तो ये प्रैक्टिकली प्रैक्टिकली अमल की जिंदगी है जिसमें फिर इंसान को मुस्तकिल अल्लाह ताला के साथ जुड़ना है।, है, तो है बशारत देने वाला और डराने वाला बनाकर और कोई उम्मत ऐसी नहीं गुजरी है जिसमें कोई मुतनबे करने वाला ना आया हो इमिन उम्मतिन अला खला फी नजीर कोई उम्मत ऐसी नहीं है जिसमें कोई डराने वाला ना आया हो अब ये वो आयत है जिसको कि हम इन कोशिश करते हैं कि हम इसको समझ सकें इसमें जो बात कही गई है वो ये है कि तुम कुछ नहीं हो तुम्हारी हसीियत जो है वो एक डराने वाले की है और हमने तुम्हें हक के साथ डराने वाला ही बनाकर भेजा है और कोई उम्मत ऐसी नहीं गुजरी है जिसमें कोई मुतनबे करने वाला या डराने वाला ना आया हो अब ये दरअसल हम इसको आप ये कह सकते हैं कि ये अल्लाह ताला का निज़ाम था यह हम मुख्तसर मुख्तलि पहलुओं से इस चीज़ को देखते आए हैं हमने शाह तिहाग के हवाले से इसको देखा है हमने इसको अमर बिल मारूफ बिलमूफ अन मुल्कि के हवाले से अब तक देखा है अब जो इस वक्त जो चीज़ है इनमें हमें दोहरा लेनी चाहिए वो ये है कि अल्लाह ताला ने एक निज़ाम रखा है कि जिससे वो कुछ अफराद को कुछ अम्बिया को कुछ रसूलों को भेजता रहा है जो इंसानों को यादहानी का काम कराते रहे हैं जो अल्लाह ताला की जानिब दावत का काम करवाते रहे हैं और पुकारते रहे हैं और बुलाते रहे हैं कि ये सही है और इसकी आओ और ये गलत है इसको छोड़ दो बशीर और नजीर दोनों उनकी खसूसियात थी बशीर उसको कहते हैं जो कि खुशखबरी देता है और बताता है कि सही राह पर चलने वालों का क्या अंजाम है और नजीर उसको कहते हैं जो कि डराता है और बताता है कि गलत रास्ते पर जाने वालों का क्या अंजाम होगा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये जो हैसीयत है इसके बारे में हमने सूरह अजाब में आयत पढ़ी थी कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने आपको शहादत देने वाला खुशखबरी देने वाला डराने वाला अल्लाह की तरफ उसके सिफा बी एक नज़ीर की, की, की थी एक दाई की थी और मुनीरा की जिसमें के ये सारे पहलू जो हैं, वो कवर होते हैं अब दरअसल जो इस वक्त हमें जहन में अपनी चीज वाजे करनी चाहिए वो ये है कि ये ने यह काम अंजाम दिया कि वो दावत क्योंकि ये मार्फत का भी एक अपना एक खूबसूरत चैप्टर है जिसको के समझने की जरूरत है अगर हम किसी चीज के को पहचान जाते हैं और हम उसकी कदर को समझ जाते हैं तो ये एक फिर फितरी तौर पर इंसान के अंदर एक एक ख्याल पैदा हो जाता है या एक जज्बा और या शौक या लगन पैदा हो जाती है कि जिस चीज को वो पहचान गया उससे वो दूसरों को भी आगाह करे और ये तक तरह अम्बिया से भी उनको अल्लाह ताला ने डायरेक्ट मुशाह करवाया बहुत सारी चीजों का अपनी मार्फत के लिए और ये उनको उन, यानी उन उनसे ये तकाजा था कि वो दावत अल्लाह दें और यही तक फिर आगे से हर उस फर्द के लिए जिसको मार्फत मिल जाए के वो दावत दिल्ला, दिल्ला ताला की जाने पुकारे अब इसके पहलू हैं जिसको हम समझ जाते हैं, समझने की कोशिश करते हैं ताला। दावत शावत इस बात का इजहार ऐलान है कि आप, आपकी दावत अल्लाह वाहिद की तरफ दौड़ने और उसकी रहमत तलाश करने की दावत है एक तरफ तो आप ये हकीकत वाज फरमाते हैं कि इंसान की कामयाबी का इसार इस हाल में है इसमें है कि वो सारे झूठे खुदाओं को छोड़कर हकीकी खुदा के दामन में पना ले और तोहिरद की राह इख्तियार करे और दूसरे अल्फाज में साफ साफ अल्लाह नाफ़रमानी के अंजाम आगाह करता रहे अभी ये दावत जो है इसमें मुख्तलिफ मुख्तलिफ पहलू जो है वो इसके अंदर शामिल होते हैं ये दावत जो है ये दरअसल खैर खाही है जो जिसकी तरफ इंसान दूसरों को भी बुलाता है और वो खैर खाही के साथ लेकर जाता है ये फलाह की दावत है यानी कामयाबी के रास्ते की तरफ की दावत है जो है, है हमारे पास मुस्तकिल वो भी एक दावत है, जो के अजान की सुरत में रोजाना पांच मरतबा होती है फिर ये असलाह की दावत है, है, है अल्लाह तला की तलाश की दावत है और ये जो मैंने आपके सामने अभी सारी चीजें रखी है ये दरअसल सारी मुख्तल अफराद के साथ मुख्तलिफ अंदाज की ये दावत है किसी को आप खैर खाही की तरफ बुलाएंगे किसी को आप की तरफ बुलाएंगे किसी को आप मार्फत की तरफ बुलाएंगे किसी को आप अल्लाह की तलाश की तरफ बुलाएंगे किसी को इबादत की तरफ किसी को अपने अम्मा, अपने अखलाकरदार की बेहतरी की तरफ ये मुख्त अफराद के साथ मुख्तफ अंदाज की दावत जो है वो हो सकती है अब जो दावत है इसमें इसकी जो बहुत अहम खुश इम्तियाज है, ये ये है।, है। मुखातिब करती है चाहे उनका तालुक से हो या मगरब से शमाल से या जुनूब में इनके दरम्यान रंग रूप नस्ल के कितनेफात क्यों नुरान मजीद हर बशर को और नो इंसानी के तमाम अफराद और तबको बार बार आवाज देता है कि वो अल्लाह वाहद की बा, बादत इख्तियार करें इसलिए कि वो इसका मुस्तक है दूसरी जो बात है वो ये है कि ये खानदानी ग्रोही मफाद और नाम नमूद जैसे ए, किसी भी किस्म के जज्बात के बगैर बिल्कुल मुखलिस होकर अल्लाह तला की जानब बुलाने की दावत है तीसरी चीज जो है वो ये है कि ये ए, ए, इस बात के ऊपर जो फिक्र अमल की कमजोरियां हैं उनको ये वाजे करती है और बताती है कि हमें कैसे अपनी असलाह का रास्ता जो है वो इख्तियार करना चाहिए फिर ये दावत इला रब है इसको कुरान दावत इला इला कहता है वदा इला का सूर्य में पड़ी थी हमने आयत और ये अल्लाह ताला के असम हुस्ना की तरफ भी दावत है जितना हम हम इनशा तला कोशिश करेंगे दो तफसर के आखिर में अः कुछ नाम अल्लाह तुम है वो इनशाला इनशा उनका तारुफ अलग से रखेंगे लेकिन बहरहाल हम अब तक मुख्तफ पहलुओं से अल्लाह तला की मार्फत में जो उसके असमय हसना का ताल्लुक है उसको समझते आए हैं तो अल्लाह ताला के तसमाय हसना की तरफ दावत है लोगों को उसका सही शोर देना और उसका फैम देना और बताना कि दरअसल उनका हमारी अमली जिंदगी से क्या ताल्लुक है फिर इसको कुरान दावत अजीज़ल ग्गफ़ार कहता है और अल्लाह अजीज़ालगफ़ार की तरफ दावत जो है फिर इसमें एक जो कुरान इस्तेमाल करता है वो तबलीग रिसालत है आज भी ये लफ्ज़ आएगा और उसके साथ साथ जो तबलीग यानी बलाग है पहुंचाना और रसालत है रसालत से मुराद तमाम वही के जो भी पहलू हैं वो उसके अंदर शामिल है फिर इसी तरह से एक और लफ्ज इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है वो नसीहत है नसीहत का लफ्ज भी कुरान ने इस्तेमाल किया है कि तुम दूसरे को अह, अहसन अंदाज से अच्छे पहलू से नसीहत करते रहो फिर सिरात मुस्तकीम की दावत इसको कहा जाता है जो कुरान में हमने में हमने पढ़ा था कि तुम उनको सरात मुस्तकीम की तरफ दावत दो बेशक आप उनको सरात मुस्तकीम की तरफ दावत देते हैं तो सरात मुस्तकीम से मुराद यहाँ पे दीन इस्लाम की दावत है इसमें तमाम दीन के असूल आते हैं जो शरीय की बुनियाद के ऊपर है मुख्तफ अमूर हयात और अहकाम और कवानी वो सब इसके अंदर शामिल है इमाम राजी ने एक कुरान, एक की सूर नाम की आयत है कि बेशक ये मेरी सीधी राह इस पर चलो और दूसरे रास्तों पर ना चलो तुमको इसके सीधी राह से दूर करेंगे अल्लाह ने तुम्हें हुक्म दिया है ताकि तुम नाफरमानी और उसके नतज से बचे रहो तो इमाम राजी ने इस आयत के बारे में जो कहा है कि आयत के अल्फाज इस बात का कर तकाजा करते हैं कि इसकी इससे पहले की आयत में मशकूर अहकाम के अलावा पूरी शरीय भी इसमें शामिल है अल्लाह तला ने दीन इस्लाम के मुतालिक जो कुछ फरमाया है वो सिरात मुस्तकीम है और उसके तमाम पहलुओं से उसकी पैरवी की जानी चाहिए है आज दुनिया का निज़ाम के फिक, पर कायम है दावत ये है कि इसकी खामियों को वाजे किया जाए अल्लाह के दीन को इस पूरे निज़ाम के मुतबाद के तौर पर पेश किया जाए इसके लिए जरूरी है कि दोजे हाज़र की फिक्री बुनियादों और कमजोरियों से आगाही हो दीन का सही फहम हो गहरी बसीरत हो हालात पर इसके इसकेत हो असल और फराको कहते हैं इसको ज़्यादा बेहतर अंदाज़ से समझा जा जाए और आगे मुंतकिल किया जाए फिर दूसरी चीज हमने शहादत का हमने मौजू देखा था मुख्तर अनबस मैं आपके सामने रखती हूँ ये शहादत की मुख्त जो सूरतें हमने पढ़ी थी उसमें अल्लाह की शहादत थी यानी इसका उसका इल उसकी पैदा करदा कायनाथ और उसमें मौजूद आसार जो अल्लाह के वजूद उसकी वाहानियत की शहादत देते हैं फिरतों की शहादत थी अल्लाह ताला के रसूलों की शहादत थी अहल ईमान की शहादत थी इंसान के अपने जिस्म और जवार आज हम पढ़ेंगे सूर्य यासीन में वो भी गवाही देंगे क्यामत के दिन आम, के उस उन्होंने क्या इंसान ने उनके साथ क्या मामला किया था मामलाते दुनिया की शहादत है पूरी दुनिया के मामला जो हैं वो रखे जाएंगे सामने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वहादादत है जो अपने मुशाह से और अपने दलाइल से देते हैं ये शहादत उनकी आखिरत में हुई जिसके बारे में हमने खूबसूरत फ़ुआत पढ़ी थी सही बुखारी में है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसलम नजरत अब्दुल्ला बिन मसूद को तिलावत का हुक्म दिया उन्होंने सूर न की तिलावत की और जब वो इन आयात पर पहुंचे कि फिर सोचो उस वक्त क्या हाल होगा जब हम हर उम्मत में से गवाह लाएंगे उन लोगों पर तुम्हें गवाह की हैसीत से खड़े करेंगे तो वो नब, आपने ऊपर देखा तो नबी करीम सर की आंखों से आंसू और फरमाया अब बस करो तो ये क्यामत के दिन शहादत है इसी शहादत को फिर उम्मत मु भी क्यामत के दिन देगी ये हमने पूरी तफसील से चीज जो है वो पढ़ी थी और एक और जो लफ्स इस्तेमाल किया जाता है वो अकामत दीन का लफ्स है और ये अम्बिया को चूंकि उनसे वादा लिया गया था कि वो हक के साथ दीन की बात को आगे मुंतकिल करेंगे तो उसको एक आमत दीन कहा गया है और यही असलाह जो है ये मौजूदा दौर में भी फिर हमें हम इस्तेमाल करते हैं दीन को आगे मुंतकिल करने के लिए तो ये आगे इन शुरह यासिन में फिर आज की मजीद मजीद तफस जो है वो इस चीज़ की आएगी लेकिन यहाँ पे इतना इतनी बात हमें दोबारा दोहरा लेनी चाहिए मैं पढ़ती हूं। तुम तो बस ये खबरदार करने वाले हो हमने तुमको हक के साथ भेजा है बशारत देने वाला और डराने वाला बनाकर और कोई उम्मत ऐसी नहीं गुजरी है जिसमें कोई करने वाला ना आ जाओ अब अगर ये लोग तुम्हें जुटलाते हैं तो इनसे पहले गुजरे हुए लोग भी जुटला चुके हैं उनके पास उनके रसूल खुले दलायल और सईफे और रोशन हिदायत देने वाली किताब लेकर आए थे फिर जिन लोगों ने उनको ना माना उनको मैंने पकड़ लिया और देख लो कि मेरी सजा कैसी सख्त थी यही वो चीज़ है जो हम मुस्तकिल पढ़ते आए हैं कुरान का तस्करा करता है जिनके अंदर नजीर आए जिन्होंने डराया और उसके बावजूद उन्होंने जब उनको नहीं एक्सेप्ट किया तो अल्लाह तला के यहाँ पर उनकी पकड़ हुई थी आगे तर्जमा क्या तुम देखते नहीं हो कि अल्लाह आसमान से पानी बरसाता है और फिर इसके जरिए से हम तरह तरह के फल निकाल लाते हैं जिनके रंग मुख्तलिफ होते हैं पहाड़ों में भी सफेद सुर्ख और गहरी से आधारियाँ पाई जाती हैं जिनके रंग मुख्तलिफ होते हैं और इसी तरह इंसानों और जानवरों मवेशियों के रंग भी मुख्तलि ये चूंकि सूर्य फातिर है इसमें तस्करा है अल्लाह तला की कुदरत का और निशानियों का और ये एक खूबसूरत असल में तस्वुर है अगर इंसान अपनी अगर गौर करे तो अल्लाह ताला ने जो चीजें बनाई हैं अगर हम देखें तो अब तक कितनी चीजें हैं जिनका तस्करा कुरान खुद ही भी कर चुका है कि ये और ये सब मैंने पैदा किया है आगे खूबसूरत इनबाद इन आजीजुल गफूर हकीकत यह है कि अल्लाह के बंदों में से सिर्फ इल रखने वाले ही डरते हैं और बेशक अल्लाह जबरदस्त और दरगुजर फरमाने वाला है इम रखने वालों से मुराद अल्लाह की, की सिफात का इल्म है अल्लाह ताला के का इल्म है जो उसने पूरी कायन के अंदर फैला दिया हुआ है अल्लाह का इल्म है और अल्लाह ताला की जो ताकत है उसका इल्म है और ये इल्म असल में यहाँ पे जो अल्फाज आए हैं वो ये है, है कि अल्लाह के बंदों में से सिर्फ औला ही उससे डरते हैं अब उलमा से मुराद ये नहीं है कि हम चंदेकदीसें पढ़ लें और चंदे का आयात हमें पता चल जाए और हम फिर उस चीज़ को आगे बयान करना शुरू कर दें तो हम कोई बन जाते हैं की खसूसियत जो है वो ये उनके अंदर खुदा तरसी हो खौफ खुदा की कसरत के लिहाज से ए, ये चीज जो है वो पाई जाती है हजरत हसन बसरी फरमाते हैं आलिम वो है जो अल्लाह से बे डरे जो कुछ अल्लाह को पसंद है उसकी तरफ वो रागिब हो और जिस चीज से नाराज़ है उससे वो कोई दिलचस्पी ना रखे अब ये जो आयत है ये दरअसल फिर ये बताती है कि जितना ज्यादा इंसान का इल्म बढ़ता चला जाता है इस मार्फत का उतना ही उसका खौफ बढ़ता चला जाता है उसकी ख़शियत बढ़ती चली जाती है एक वाक्य मैंने पढ़ा था कि एक कोई साहब थे जो कि किसी चर्च के बाहर खड़े हुए थे गालिबन अमेरिका का वाक्य पुराना मेरी यादाश में ज्यादा नहीं है तो कोई मुसलमान दोस्त उनके वहां से गुजरे और आपस में खड़े होकर बातचीत करने लगे तो उसमें उन्होंने उन्हें कहा कि आप यहाँ पे कहाँ पे आए हुए हैं चर्च के आगे वो कोई बड़ा साइंटिस्ट था वो जो आदमी था और एस्ट्रोनॉमी का इल्म उसके पास था तो उसने उसको कहा कि आ, मैं बस असल में कभी कभी मैं जब इतना गहरा इल्म लेता हूँ तो मेरा दिल घबरा जाता है तो फिर मुझे चर्च में मैं आ जाता हूं तो मुझे थोड़ा सुकून आता है तो वो जो मुसलमान आदमी था उसने उसको ये वाली आयत सुनाई कि इन्ना यक्षल्ला इबाद हिला कि जिस जो अल्लाह से दर हकीकत डरते वही हैं जो इल्म ज्यादा रखते हैं तो उसने कहा तुम्हारे कुरान में ये आयत लिखी हुई है तो उन्होंने कहा हमारे आयत लिखी हुई है तो उसने कहा बिल्कुल सही बात है कि इंसान को वो खशियत देता है अल्लाह तला की और जितना बढ़ता चला जाता है उतना ही खौफ बढ़ता चला जाता है तो ये एक किस्म है अल्लाह तला की जिसको कि आप ये कह सकते हैं कि ये मार्फत का फिर रुख है जितना ज्यादा इंसान अल्लाह ताला की मार्फत लेता चला जाता है जितना ज्यादा उसमें आगे बढ़ता चला जाता है उतना ही उसके अंदर एहसास जो है वो बढ़ता चला जाता है यहाँ एक टेक्स्ट है जो मैं आपके सामने पढ़ती हूँ जो कि ये सर में बताता है कि ये इल्म जो हम कुरान का लेना चाहते हैं या कुरान के ऊपर गौर विक्र जो हम करना चाहते हैं जिससे कि हमारी वार्फत बढ़े जाहिर है हमारे पास मेन सोर्स तो कुरान है जिससे कि हम अल्लाह ताला की मार्फत ले सकते हैं लेकिन इसके ऊपर इसमें गौर वफिक करना या इसको समझना हमें ऐसा नहीं समझना चाहिए कि ये कोई खास अफराद हैं जो कि इस तरह का इल्म हासिल कर सकते हैं और इनके अंदर खौफ या ऐसा ऐसी खशियत पैदा हो सकती है ये हमें से हर शख्स कर सकता है हाँ लेवल्स हैं और लेवल्स के मुताबिक हमें समझने की जाहिर है जरूरत है और उतना ही हमारे पे अल्लाह तला के यहाँ से हिसाब किताब भी अकाउंटेबिलिटी भी उतनी है जवाबदेही भी उतनी है एक टेक्स्ट है कि कुरान करीम में तदब्बर के बारे में अक्सर पढ़ते सुनने में ये बात मिलती है सुनने और पढ़ने तक ही महदूद रहते हैं जिसका एक हैफसर है। तो ही नहीं जानते तो क्या करेंगे बस जो मुसलमान तो इस वसवसे का शिकार हो जाते हैं वो ये ख्याल करते हैं कि उनके और तदब्बर कुरान के दरम्यान ना तय हो सकने वाले फासले हैं बल्कि कुछ तो वसवसों के सामने इस कदर बेचारगी का शिकार हो जाते हैं कि ये तक कहने लिखने और मानने लगते हैं कि तदब्बुर कुरान हरकस नाक किसका काम नहीं है जब तक फलां फल की तफसीर का इल्म हासिल ना कर लिया जाए कुरान में तदब्बुर जायज ही नहीं है गौर कीजिए इस किस्म के वसवसों की वजह से कितने मुसलमान तदब्बुर कुरान की लज्जत से खुद को महरूम रखे हुए हैं अल्लाह की किताब की मिठास से खुद को दूर किए हुए हैं कितनी बड़ी खैर और कामयाबियों और अपने दरमियान रुकावटें उन्होंने खड़ी की हैं रोके हैं कि कहीं इल्म के के में कुछ ऐसा ना समझने जो अल्लाह की मुराद ना हो लेकिन समझने की बात यह है कि क्या इस मकाम पर यह खौफ दुरुस्त है और यहाँ इसके मुताबिक अमल करना मतलूब है इसका जवाब यह है कि तदब कुरान का मामला ऐसा नहीं है जिस, जिसको इस खौफ की बिना पर तर्क कर दिया जाए क्योंकि किसी शक के बगैर यह हकीकत वाजे है कि कुरने करीम में तदब्बर करना और कुरने पाक की तफसीर बयान करना दो मुख्तलिफ मामलात हैं खूब समझने की बात है कुरने करीम में तदब्बर दो इकसान से होता है नंबर एक जहनी मार्फत के मुताबिक इसके दुरुस्तगी के लिए और इसमें इजाफे के लिए कुरान में गौर वफिकर और कल भी और ईमानी मार्फत के मुताबिक इसकी दुरुस्गी और इसमें इजाफे के लिए और पहले के समय कुरने करीम में इस्तेमाल होने वाले गरीब अल्फाज की तस्ीर करना अहकाम अगज करना कायद की चानबीन करना दलाइल की वजाहत होना ये वो काम है जो यकीनन अहले इल्मी कर सकते हैं क्योंकि अल्लाह ने उन्हें इसकी अता फरमाई होती है बस वो लोग अल्लाह के अता करदास्तात और तोफीक के मुताबिक अल्लाह के कलाम की तफसर करते हैं ये पहली किस्म का कुरान हमारा मौजू नहीं है बल्कि हमारी हमारा मौजूद दूसरी किस्म का कुरान है इससे मुराद ये है कि इंसान कुरान में पढ़े उसके ऊपर गौर करे और हर पढ़ को समझते हुए इसके अंदर से अपने लिए ससूल ले और इस काम के लिए से कारी का उलूम का आलिम होना जरूरी नहीं है किसी एक आयत पे गौर करने के लिए इतना काफी है कि वो किसी किसी चीज़ का मजहबी जमाती और फलसफिया तसुब के बगैर तर्जमा जानता हो आम कार्य के लिए कतन जरूरी नहीं है कि वह तदबरे कुरान के लिए तफसीरी का मायर हो या कुतुब तफसीर का मताल करे अपनी जबान में मुयसर, लेकिन कुरान और सही साहबित शुदा सुनत के मुाफिक चर्च में की रोशी में व आयात मुबारक में गौर करे और अपनी शख्सियत को उसके मुताबिक परखे अगर खुद में किसी खुशखबरी वाली को पाए तो अल्लाह का शुक्र अदा करे अगर मामला इसके बरक्स हो तो अल्लाह की पना तलब करे और अपना मुहासुआ करते हुए अपनी असलाह की कोशिश करे याद रखिये की कि दूसरी किस्म का तदब फम असल मकसद है और हर मुसलमान बदरज हर इंसान से मतलूब है और पहली किस्म का तदब उस तक पहुँचने का जरिए बस दूसरी किस्म के फ़हम यानी असल मकसद तक रसाई के लिए यह हर की जरूरी नहीं है कि पहली किस्म के इस जरिए बगैर असल मकसद तक रिहाई रसाई हासिल की जाए चुनाचे ये कुरान के ऊपर आलिम बनने के लिए कोई ये जरूरी नहीं है कि हम आलिम होंगे तो फिर हमारे अंदर खशियत पैदा होगी ये गौर वफिक है कुरान की सिर्फ कुरान के अल्फाज पढ़ें उसका तर्जमा पढ़ें अगर अरबी आती है तो और ज्यादा आसानी है और यही चीज इंसान को असल पॉइंट तक पहुंचा देगी उसकी उसका अपना ही मामला अपने अमाल तक ही है अपने अमाल की असलाह के लिए उसे कुरान से जो फैम मिलता है वो उसको ले और उसके मुताबिक अपनी जिंदगी में तब्दीली लेकर आए और यही फिर अल्लाह के पास इल्म का हमारी तरफ से हिसाब किताब होगा और इतना ही हमारे लिए काफी है आगे तर्जमा जो लोग किताबुल्लाह की तिलावत करते हैं और नमाज कायम करते हैं जो कुछ हमने उन्हें रिस्क दिया है इसमें से खुले और छुपे खर्च करते हैं यकीनन वो एक ऐसी तिजारत के मुतवक्को हैं जिसमें हर गिस्क ना होगा तो तिजारतन लंतबूर का लफ्ज आया है और जो खसूसियात आई हैं ये अब आप देखें ये छोटी छोटी सी आयात है छोटे छोटे से पैकेजेस हैं जो कि फिर बात समझाते हैं वो लोग जो कुरान की तिलावत करते हैं नमाज कायम करते हैं और जो कुछ हमने उन्हें दिया है इसमें से रिस्क खुले और छुपे खर्च करते हैं वो एक ऐसी तिजारत के हैं जिसमें हरगज खसारा ना होगा येजुना तजारत एक एक ऐसी तिजारत की तरफ जाते हैं जिसमें कोई खसारा ना होगा अब यहाँ पे बस सिर्फ इस चीज को अपने जहन में दोहरा लेना चाहिए कि हम आमतौर पर वो सौदे करते हैं वो तजारत करते हैं जिसमे फायदा होता है जिसको हम आम तौर पे सौदा हम बहुतमंदी और से करते हैं हर पहलू को जान पटक के करते हैं पूरा अपने आप को कोशिश करते हैं कि अपना सरमाया बचा लें कोई नुकसान ना हो जाए कहीं पे हमारा कोई खसारा ना हो जाए तो कुरान कहता है कि जो लोग अल्लाह की तिलावत करते हैं किताबुल्लाह की तिलावत नमाज का कायम करना और रिस्क में से खर्च करना ये ऐसी तिजारत है जिसमें कोई हरगिज का ना होगा इस आयद से भी अगर आप देखें गौर करें तो आपको पता चलता है हमने कितनी खूबसूरत खूबसूरत पहले मोमिन की सिफात पढ़ी है जो हमें अल्लाह रबीन बताता रहा है कि कैसे लोग जो हैं वो ताला है वो अल्लाह तला के यहाँ पसंदीदा है यहाँ पे सिर्फ तीन चीजें बता दी गई है कुरान की तिलावत तिलावत से मुराद फिर अभी हम देखते हैं इन सिर्फ तिलावत नहीं है बहरहाल ऐसी तिलावत है होती है जिसपे के इंसान अमल करता है और नमाज कायम करना और खुले चुपे खर्च करना ये तीन चीजें अगर होंगी तो फिर इंसान का सौदा बहरहाल हो सकता है आगे तर्जमें ताकि अल्लाह उनके अजर पूरे के पूरे उनको दे और मजीद अपने फजल से उनको अता फरमाए बेशक अल्लाह बख्शने वाला और कदरदान है नबी सल्लाम जो किताब हमने तुम पर उतारी है तुम्हारे पास वही के जरिए भेजी है ये वही हक है तस्दीक करती भी आई है उन किताबों की जो जिससे पहले आई थी बेशक अल्लाह अपने बंदों के हाल से बाखबर है और हर चीज के ऊपर निगाह रखने वाला है अब इसके अंदर कुरान की अः के बारे में बल्लजी और किताबी मुसद्दल नमाबे दई ये वो किताब है जो कि हक है और तस्दीक करती है उन तमाम चीजों की जो कि इससे पहले आई थी अब चूंकि मैंने आपको कहा था कि आज हम इन कुरान के बारे में देखेंगे और ये दरअसल एक का चैप्टर है जो जिससे हम गुजर रहे हैं और जिसका फेहम फिर हमारे पास होना चाहिए कम अज कम इस एतबार ये मुझे सिर्फ एक दफा की चीज नहीं है जिससे कि बस मैं दौरा तफसर से गुजर जाऊंगी तो बस ये काफी होगा बल्कि ये मेरे लिए प्रैक्टिकली एक खूबसूरत रहनुमा खूबसूरत लीडिंग चीज जो है वो होनी चाहिए हदीस में आता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुरान के बारे में कुरान सर बुलंदी अता करता है ये बात मैंने भी आपके सामने रखी है बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान सीखे और सिखाए ये हजरत उस्मान बिन अफान की रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम में से बेहतर शख्स वो है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए और तुम में फजीलत वाला वो है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए ये एक खसूसियत है कि बेहतरीन चीज अगर इंसान चाहता है तो फिर वो उसको कुरान को आ, सीखना और सिखाने के अंदर अपने आप को शामिल करवाना चाहिए फिर इसी तरह से हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रावी हैं कि रसूल फरमाया रश्क तो दो आदमियों पर हो सकता है एक वो जिसको अल्लाह कुरान का इल्म दे और वो शब रोज को इसको लेकर खड़ा हो जाए दूसरा वो जिसको अल्लाह माल दे और वो रात और दिन हर वक्त उसको अल्लाह की राह में खर्च करता रहे यानी ये वो रश के काबिल है वो शख्स जिसको अल्लाह कुरान का इल्म दे और फिर वो उसको लेकर खड़ा हो जाए इसी तरह से हदीस में है काबिल रश दो खूबियाँ हैं एक ये कि कुरान का और शबो रोज में उसकी तिलावत करता रहे उसकी तिलावत को सुनकर उसका पड़ोसी कहने लगे काश मैं भी कुरान पढ़ सकता और उसकी तरह अमल कर सकता और दूसरी खूब काबिल रश खूबी है कि अल्लाह ने उसको दौलत दी और उसको राह हक की राह में लुटा रहा है और उसको देखने वाला इंसान कहता है कि काश मुझे दौलत मिलती और मैं भी इसी तरह अल्लाह की राह में खर्च करता इसी तरह से इंसान की को जिंदगी में जो रोशनी चाहिए जो नूर चाहिए जो नूर का हमने पढ़ा था तस्वुर वो भी दरअसल फिर कुरान ही से है रजी अल्लाह फरमाते हैं कि मैंने रसूल से दरख्वास्त की कि आप मुझे नसीहत फरमाइए आपने फरमाया तकवा का दामन थाम लो क्योंकि ये सारे दीन की जड़ है मैंने कहा अल्लाह के रसूल कुछ और नसीहत कीजिए आपने फरमाया कुरान की तिलावत ना छोड़ो क्योंकि कुरान तुम्हारे लिए जमीन में नूर और आसमान में कामयाबी का जखीरा है गोया जो नूर हमने चाहा था तब जब हजन हमने पढ़ा था अः नूर को वो नूर भी दरअसल फिर इसी से हासिल है इसी तरह से एक और हदीस है हजरत बिन उमर रिवायत करते हैं कि सल्लल्लाहु अलैहि रसुल्ला फरमाया दिलों पर जंग आ जाता है जैसा लोहे को अगर पानी लग जाए तो उस पर जंग आ जाता है आपसे सवाल किया गया दिलों को अगर जंग लग जाए तो उसको कैसे दूर किया जाए आपने जवाब दिया इसके दो जरिए हैं मौत की कसरत से याद और कुरान का पढ़ना अब इसके बारे में लिखा हुआ है कि दिल ना तो हीरा है ना स्या पत्थर बल्कि उसकी मिसाल लोहे की है अगर इसको लग, किया जाता रहा तो इसमें आब और चमक पैदा होगी पानी में फेंक दिया जाए तो वो के टुकड़े का नाम नहीं है जो हमारे सीने के अंदर धड़क रहा है बल्कि वो एक ऐसा ताक है जिसमे हक की क्षमा रोशन होती है अगर इंसान का दिल खारिज के असर से गबार आलोद नहीं हुआ है तो उसमें हक वातिल की तमीज की सलाह पैदा हो सकती है और आदमी खुदा की राह को साफ देख सकता है फिर इसी तरह से एक और जो खूबसूरत हदीस है, हज़रत रजियाल्ला ने फरमाया कि लोगों में बाज वो हैं जो अहल्लाह हैं, यानी अल्लाह के अहल हैं, अल्लाह के घर वाले हैं अकराम रजी ताला ने पूछा वो कौन है आपने फरमाया कुरान वाले अहल्लाह और उसके खास बंदे हैं इसी तरह से एक और जगह पे फरमाया कि अहल कुरान वो है जो कुरान से हिदायत हासिल करते हैं इस दुनिया में इस पर अमल करते हैं फिर जाब रजी तनों से रिवायत है कि आपने फरमाया कुरान के आमद के दिन सिफारिश करेगा उसकी सिफारिश कबूल की जाएगी वो इंसान के हक हाँ में कोशिश करेगा उसकी कोशिश बराबर होगी जो शख्स इसको अपने आगे रखेगा वो इसको जन्नत में पहुंचाएगा और जो शख्स इसको पीठ के पीछे डालेगा वो इसको जहनों में फेंक देगा इस तरह मुस्लिम की रिवायत है कुरान कुरान पढ़ो क्योंकि जो लोग के पढ़ने वाले हैं क्यामत के दिन कुरान उनकी सिफारिश करेगा फिर फरमाया कुरान जल्दी जल्दी ना पढ़ो ठहर ठहर कर पढ़ो जिस तरह तुम दुनिया में पूरे इतमान से पढ़ते थे और जन्नत के मनाजिल तय करते जाओ जहां तक तुम अपनी किरत कर, खत्म करोगे वही तुम्हारी मंजिल होगी फिर कुरान जो है वो खूबसूरत खूबसूरत बात है कि अल्लाह के नजीक उसके अपने कलाम से ज्यादा बाजमत और कोई कलाम नहीं उसके बंदे जिस अल्फाज में उसके पास अपने जज्बात अहसास भेजते हैं इनमें सबसे ज्यादा महबूब उसको वो अल्फाज हैं जो उसके कलाम में इसीलिए जो मैं अक्सर आपसे तस्कर करती हूँ कि या आय पढ़ें या आद पढ़े तो अल्लाह तला को अपने ही अल्फाज असल में सबसे खूबसूरत सबसे ज्यादा पसंदीदा है फिर इसी तरह से एक और रिवायत है नबी करीम को इमरान बिन हसैन कहते हैं है सुना कि जो तो वो अल्लाह से मांगे बाद में ऐसे लोग आएंगे जो कुरान पढ़कर लोगों से सवाल करते फिरेंगे फिर जी क्या कह रही हो एक मिनट कुछ नहीं मेरा तो ठीक चल रहा है Das Internet funktioniert nicht. Das WLAN, Mama, Dein WLAN funktioniert doch gerade nicht. Ja. Nee, ich glaube, deins hat auch auf das, auf das Datenvolumen umgeschaltet. Nichts von kein einziges WLAN geht gerade. Der ja. ja. हजरत अबू मूसा शरीर रिवायत करते हैं कि रसूल ने फरमाया जो साहिब ईमान कुरान की तिलावत करते हैं उसकी मिसाल माल्टी किसी है जिसकी वो भी पसंदीदा वो मजेदार भी है और जो साहिब ईमान कुरान ना पड़े उसकी मिसाल खजूर की है खजूर में तो, खुशबू तो नहीं होती अलब इसका मज़ा अच्छा होता है और जो पढ़ता है वो बज़ाहिर रेहान की है कि वो है तो खुशबूदार लेकिन इसका मजा खराब है और इंसान अगर मुनाफिक भी कुरान नहीं पढ़ता तो इंद्राइन है कि कड़वा केला भी और खुशबू से भी महरूम है फिर इसी तरह से एक और रिवायत है नबी करीमलम फरमाया कि एक सहाबी ने सवाल किया कि इल्म कैसे छीन लिया जाएगा जबकि हमने कुरान पढ़ा है खुदा कसम खुदा की हम इसे छोड़ेंगे नहीं इसको हम हमेशा पढ़ते रहेंगे और अपनी औरतों और बच्चों को पढ़ाएंगे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम्हें तुम्हारी माँ तुम्हें, तुम्हें गुम करे मैं तुमको मदीना के समझदार आदमियों में शुमार करता था ये देखो तो रात और झील यूद और नारा के पास मौजूद है क्या वो भी कभी उनके काम आई है यानी वो उससे फायदा उठा रहे हैं इसी तरह से जो कुरान की के मफुमाद को समझने में अगर इंसान को मुश्किल पेश आती है तो उसके भी लिए भी इंसान को बार बार मुसलसल मुसलसल बदल और मायूस होने की बजाय कुरान की जान इस अपनी उलझन को अल्लाह ताला के सामने पेश करना चाहिए उससे मदद और रहनुमाई मांगनी चाहिए कुरान में आदमी कभी कभी ऐसा महसूस करता है कि वो किसी बड़े पत्थर के नीचे अब बारी गिरा के नीचे दब गया है इसी तरह वो कभी कभी उसे महसूस करता है कि उसके सामने कोई ऐसी मुश्किल आ गई जिसका हल होना मुमकिन नहीं है इस तरह की तमाम चीजों का आजमूदा रास्ता यह है कि आदमी अल्लाह ताला से बराबर दुआ करे और कुरान मजीद पर बारो बार मुसलसल बराबर गौर करता रहे अगर कुरान याद हो तो शब की नमाजों में कुरान ठहर ठहर कर पड़े इनशा उसकी सारी रुझने और मुश्किल जो है वो दूर हो जाएंगी चनाचे जो आज की दुआ है वो भी असल में यही फहम देती है कि अल्लाह ताला से तौफीक मांगनी चाहिए कि अल्लाह ताला कुरान को मेरे दिल की बहार मेरे सीने का नूर मेरे रन जम और, और मेरी परेशानियों को दूर करने का जरिया बना दे आगे तर्ज़म़ा है फिर हमने इस किताब का वारिस बना दिया उन लोगों को जिन्हें हमने इस के लिए अपने बंदों में से चुन लिया अब कोई तो इनमें से अपने नफ्स पर जुल्म करने वाला रास्ता और कोई, कोई अल्लाह के इजन से में सबकत करने वाला है यही बहुत बड़ा फजल है अब इसके अंदर तीन तीन तरह के अफराद का कुरान में तस्करा किया गया है अल्लाह तला ने इस कुरान को हमने इस किताब का वारिस बना दिया उन लोगों को जिन्हें हमने इस विरासत के लिए अपने बंदों में से चुन लिया यानी वो फिर जिसको चाहता है चुनता है चुनता लेकिन जो बंदों का रवैया कुरान बताता है इन में से कोई अपने नफ्स पर जुल्म करने वाला है कोई बीज की रास है और कोई अल्लाह के जन से नेकियों में सब ले जाने वाला है अब ये ए, ये ये मुसलमान सबके सब तीन गिरोह में एक तरह से बट गए हैं एक वो हैं जो अपने नफ्स पर जुल्म करते हैं कुरान को सच्चे दिल से अल्लाह की किताब और ईमानदारी के साथ रसूल मानते हैं मगर किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह की पैरवी का हक अदा नहीं करते मोमिन है मगर गुनाहगार है मुजरिम है मगर बागी नहीं है ज़ईफुल ईमान है मगर मुनाफिक और दिलो दिमाग से काफिर नहीं है इसीलिए उनकेम नफ्स के बावजूद वारसिन किताब में दाखिल और खुदा के चुने हुए बंदों में शामिल किया गया है दूसरा जो बीच की रास ये वो लोग हैं जो विरासत का हक हाँ कम तो अदा करते हैं मगर पूरी तरह से नहीं करते फर्मा बरदार भी हैं और खताकार भी हैं अपने नफ्स को बेलगाम उन्होंने नहीं छोड़ा हुआ है मगर खुदा का मती बनाने की अप, अपनी हद हाँ तक कोशिश करते हैं और तीसरे वो हैं जो कि नेकियों में सबकत ले जाने वाले हैं ये विरासत का हक हाँ अदा करते हैं ये पैगाम को आगे पहुंचाने तक पेश पेश रहते हैं दीने हक हाँ की खातर कुर्बानियां करने में पेश पेश होते हैं और भलाई के हर काम में आगे बढ़कर करने की कोशिश करते हैं यानी ये फिर तीनों तरह के कैटेगरीज जो हैं वो हमारे माशरे के अंदर पाई जाती हैं सिर्फ असल बात ये है कि बहरहाल उनको ये समझना चाहिए है कि ये विरासत का ये हक जो है वो उन्होंने अदा करना है ये जो कुरान की जिम्मेदारी है इसको उन्होंने अदा करना है फिर हर फर्द अपनी तोफीक के मुताबिक उसको समझता है और अदा करने की कोशिश करता है यहाँ पे एक टेक्स्ट है जो कि मैं आपके सामने पढ़ती हूँ जो कि इंसान को ये बताता है कि कोई भी चीज जो है वो आपको आप एकदम नहीं बड़े पैमाने के ऊपर आप उसको शुरू नहीं करते हैं बल्कि आप उसकी इब्तदा जो है वो छोटे स्टेप से उठाते हैं और अगर हम वाकता चाहते हैं कि हम इस चीज के अंदर अपने आप को आगे शामिल करें कि अल्लाह ने जो हम पे विरासत की जिम्मेदारी डाली है उसको हम बेहतर अंदाज से अचा कर सकें तो उसके लिए जो हमें समझने का पॉइंट है बहुत बड़ा वो ये है कि मिनिमम से चीज को शुरू किया जाए एक है जो मैं आपके सामने पढ़ती हूँ जिस वक्त नबी करीम सलम के ऊपर वही आई है उस वक्त अः मक्का ने तीन सौ साठ बुत जो है वो वहां पे मक्का के अंदर खाना काबा के अंदर रखे हुए थे ये चीज हम पढ़कर आए हैं अब नबी करीम अलैहि वसल्लम ने उस वक्त के अगर मसाइल की नस्बत से देखा जाए तो ये कहना सही होगा कि ये नबी करीम अलैहि वसल्लम ने इकरा से जब उनको हुक्म दिया गया तो ये मिनिमम से आगाज था

और सही आगाज वही है जो मुमकिन हो मुमकिन से आगाज ही दरअसल से ही आगाज है और ये एक मालूम हकीकत है कि मिनिमम हमेशा मुमकिन होता है इसके मुकाबले में मैक्सिमम से आगाज़ हमेशा नामुमकिन और नाकाबिल अमल मिनिमम से आगाज का मतलब कम से आगाज़ नहीं है बल्कि मुमकिन से आगाज है इसी तरह मैक्सिमम से आगाज का मतलब ज्यादा से आगाज नहीं है बल्कि नामुमकिन से आगाज है यानी इंसान ये चेक करे कि मैं क्या कर सकता हूं और मुमकिन चीज से शुरू करे इसी तरह से जो आ, जो इस है जो अफराद तक बात पहुंचाना है उसके लिए एक और टेक्स्ट मैं आपके सामने पढ़ती हूँ कि क्या क्या इस के रास्ते जो हैं, या बात पहुंचाने और सिखाने के रास्ते क्या हैं? ये लिखते हैं कि माँ खुदा की नेमत है उसके प्यार का अंदाज सबसे अलग और निराला होता है बचपन में एक बार बाद दोबारा का सख्त तूफान था और जब मैं इसमें जब इसमें बिजली शिद्दत के साथ करती तो मैं खौफजदा हो गया डर के मारे थर थर कांप रहा था मेरी माँ ने मेरे ऊपर कंबर डाला और मुझे गोद में बिठा लिया तो महसूस हुआ गोया मैं अम्बान में आ गया हूँ मैंने कहा अम्मा इतनी बारिश क्यों हो रही है उसने कहा बेटा पौधे प्यासे है अल्लाह ने उन्हें पानी पिलाना है और उसी बंदोबस्त के तहत बारिश हो रही है मैंने कहा ठीक है पानी तो पिलाता है लेकिन ये बिजली क्यों बार बार चमकती है ये इतना क्यों कड़कती है वो कहने लगी रोशनी करके पौधों को पानी पिलाया जाएगा ना अंधेरे में तो किसी के मुंह में किसी की नाक में पानी चला जाएगा इसलिए बिजली की कड़क चमक जरूरी है मैं माँ के सीने के साथ लगकर सो गया फिर मुझे नहीं पता कि बिजली किस कदर चमकती रही या नहीं ये बिल्कुल एक छोटा सा वाक्य है इसके अंदर पूरी दुनिया पेशीदा है ये एक माँ का फेल था जो छोटे से बच्चे के लिए जो खौफ जदा हो गया है उसे खौफ से बचाने के लिए पौधों को पानी पिलाने की मिसाल देती है ये उसकी एक अप्रोच थी गोया गो वो पढ़ी लिखी औरत नहीं थी दौलतमंद बहुत आलिम फाजिल कुछ भी नहीं था लेकिन वो एक माँ थी मैं जब 9 साल का हुआ तो मेरे दिल में एक अजीब ख्याल पैदा हुआ कि सर्कस में भर्ती हो जाऊं और खेल शुरू करूं क्योंकि हमारे कस्बे में एक बहुत बड़ा मेला रखता था वो था और तेर, तकरीबन तेरह चौदह जनवरी को और इसमें बड़े बड़े सर्कस वाले आते थे मुझे वो सर्कस देखने का मौका मिला जिससे मैं बहुत मुतासिर हुआ जब मैंने अपने घर में ये ख्वाहिश जाहिर की कि मैं सर्कस में अपने कमाल दिखाऊंगा तो मेरी नानी फा करके हंसी और कहने लगी जरा शक्ल तो देखो ये सर्कस में काम करेगा मेरी माँ ने कहा दफा करो तू बड़ा होकर डिप्टी

उसको काला नीला और पीला पेंट करके भी ले और कहने लगे इस पर चढ़कर आप ड्रम को आगे पीछे रोल किया करें इस पर आप खेल करेंगे तो सर्कस के जामबाज खिलाड़ी बन सकेंगे मैंने कहा मंजूर चुनाचे मैं इस ड्रम पर प्रैक्टिस करता रहा मैंने इस पर कदर और अच्छी इस कदर अच्छी प्रैक्टिस की कि मैं इस ड्रम को अपनी मर्जी और मंशा के मुताबिक कहीं भी ले जा सकता था गोल चक्कर काट सकता था बगैर पीछे देखे हुए की प्रैक्टिस की। में शामिल कर लिया वो अच्छे शरीर बदन का था वो मुझसे भी बेहतर काम करने लगा बजाय गेंदों के वो तीन छुरियां लेकर हवा में उछाल सकता था हम दोनों ड्रम पर चढ़कर अपना ये सर्कस लगाते हमारी एक बकरी थी उसको भी मैंने ट्रेन किया वो बकरी भी ड्रम पर आसानी से चढ़ जाती हमारा एक गुशी नामी कुत्ता था लेकिन वो सही तरह से ना सुन ना कर सका और हमारे वालिद जो थे वो ना सिर्फ ये के अः हम, हम हमें शो करते तो हमारे वालिद एक रुपये वाला टिकट लेके कुर्सी डालकर हमारी सर्कस देखने बैठ जाया करते थे हमारा एक ही तमाशा ही होता था और कोई भी देखने नहीं आता था सिर्फ अब्बा जी आते थे हम उन्हें कहते आज जो मेरा रहा था आप सर्कस देखने आइएगा वो कहते मैं आऊंगा वो हम से एक रुपए का टिकट लेते जो उनकी शफकत का अंदाज था जिंदगी में कई बार ऐसा होता है और ऐसा भी होता है और ऐसा अक्सर ऐसा होता है और आप इस बात को माइंड ना कीजिए अगर आपको रूहानिये की तरफ जाने का बहुत शौक है तो इस बात को बुरा ना मानिएगा कि बाजूकत माँ बाप के असरा इसी तरह से औलाद में मुंतकिल नहीं होते जिस तरह इंसान आर्जू करता है और इस पर किसी का जोर नहीं होता ठीक चवालीस बरस बाद जब मेरा पोता जो बड़ा अच्छा जहीन और खैरो शर को अच्छी तरह से समझता है वो जॉगिंग करके घर में वापस आता है तो उसके जॉगर कीचर में लुथड़े होते हैं वो उनके साथ अंदर घुस जाता है और ऐसी खराब जॉगरों के साथ चाय भी पीता है सारा कालीन गंदा करता है अब मैं आपके सामने इस बात का एतराफ़ करने लगा लगाऊं कि मैं इसे बर्दाश्त नहीं करता था कि वो खराब कीचड़ से भरे के सा... जौगरों के साथ कालीन पर चढ़े मेरा बाप जिसने मुझे ड्रम ला कर दिया था मैं उसी का बेटा हूँ और मैं पोते की शरकत को बर्दाश्त नहीं करता देखिए यहाँ क्या ताजा पैदा हुआ मैंने अपने पोते को बहुत शिद्दत के साथ डांटा और झड़का के तुम पढ़े लिखे हो तुम्हें शर्म नहीं आती कि कलिन है बरामदा है और तुम उसे कीचड़ से भर देते हो उसने कहा दादा आई एम वेरी सॉरी मैं जल्दी में होता हूं जॉगर उतारने मुश्किल होते हैं अम्मी मुझे बुला रही होती है क्या है ऑफ टी तो मैं जल्दी में ऐसे कि तुम्हें इसका एहसास होना चाहिए अपने अंदर तब्दीली पैदा करो चुनाचे में उस पर कमेंट्स करता रहा ठीक है मुझे एक लिहाज से हक तो था लेकिन जब ये वाक्य गुजर गया तो मैंने एक छोटे से आम रिसाले में अकवाले जरी में एक कॉल पढ़ा कि जो शख्स हमेशा नुकताचीनी के मूड में रहता है और दूसरों के नक्स निकालता है वो अपने आप में तब्दीली की सलाहियत से महरूम हो जाता है इंसान को खुद ये सोचना चाहिए कि जी मुझ में फला तब्दीली आनी चाहिए जी मैं सिगरेट पीटता हूँ उसे छोड़ना चाहता हूँ, या मैं सुबह नहीं उठ सकता मैं अपने आप को इस हवाले से तब्दील करूँ एक नुकता ची में कभी तब्दीली पैदा नहीं हो सकती क्योंकि उसकी साथ की जो बेटरी है वो कमजोर होने लगती है और जब आपने देखा होगा कि जब सेल कमजोर हो जाए तो फिर एक बैटरी का जल सेल जो है वो जलता बुझता रहता है चुनाचे मैंने वो कॉल पढ़ने के बाद महसूस किया कि मेरी नुकताचीनी इस लड़के पर वैसी नहीं है जैसे कि मेरे बाप की हो सकती थी मेरे बाप ने सर्कस सीखने की बात पर मुझे नहीं कहा कि अक्ल की बात करो तुम क्या करे उसने मुझे ला, कहने के बजाय ड्रम ला कर दिया और मेरी माँ ने मुझे तूफाने तो बाद दोबारा में नहीं कहा कि चुप कर डरने की क्या बात है मैंने देखा कि मेरे पोते की माँ बाजार से तार से बना हुआ मैट ले आई उसके साथ नारियल के बना वाला डोरमेट भी ले आई ताकि इसके साथ पैर घिस कर अंदर जाए और कीचड़ ना जाए सो ये फर्क था मेरा और मेरी उसकी मां में और मैंने चीनी करता रहा और उसने हल तराश कर लिया चुनाचे उनका जो मेन पॉइंट था आखिर में उन्होंने लिखा है कि सो एक बार कुछ छोटी चीज से आप तजर्बा करके देख लें किसी नालायक पड़ोसी से आ, आ, खुश होने की कोशिश करके किसी बेवकूफ आदमी से खुश होकर या किसी अखबार में खौफनाक खबर पढ़कर दुआ मांगे तो या अल्लाह ऐसी खबरें कम कर दे तो आपका रास्ता आपका फाटक खुलना शुरू हो जाएगा और मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात को समझ जाएंगे बहरहाल ये ये फिर असल में रास्ता जो मैंने आपके सामने रखा है वो ये है कि इस्लाह का रास्ता जो है या जो विरासत हमने ये निभानी है ये बहरहाल फिर मुख्तलिफ अंदाज से चलती है ये फिर हर एक के साथ एक जैसे तरीके से नहीं चलती है आगे तर्जमा है हमेशा रहने वाली जन्नतें हैं जिनमें ये लोग दाखिल होंगे वहां उन्हें सोने के कंगनों और मोतियों से रास्ता किया जाएगा वहां उनका लिफाज रेशम का होगा और वो कहेंगे शुक्र उस खुदा का जिसने हमसे गम दूर कर दिया वकाल अलहमदी अजहब अनहसना वो शुक्र है उसका जिसने हमसे गम दूर कर दिया जब खुशी मिले तो इंसान को यह आयत पढ़नी चाहिए सूरह फातिर की आयत नंबर ट्वेंटी फोर है यकीन हमारा रब माफ करने वाला और कदर फरमाने वाला है जिसने हमें अपने फजल से अब्दी क्याम की जगह ठहरा दिया अब यहां ना हमें कोई मुशक्कत पेश आती है और ना थकान लाख होती है और जिन लोगों ने किया है उनके लिए जहन्नुम की आग है ना उनका किस्सा पाक कर दिया जाएगा कि मर जाए और ना उनके लिए जहन्नुम के अजाब में कोई कमी की जाएगी इस तरह हम बदला देते हैं को जो कुफर करने वाला हो वो वहाँ चीख चीख कर कहेंगे ए हमारे रब हमें यहाँ से निकाल ले ताकि हम नेक अमल करें उन अमाल से मुख्तलिफ जो हम पहले करते रहे थे उन्हें जवाब दिया जाएगा कि हमने तुमको इतनी उम्र ना दी थी जिसमें कोई सबक लेना चाहता था तो सबक ले सकता था और तुम्हारे पास मुतनबे करने वाला आ चुका था अब मजा चको जालिमों का यहाँ कोई मददगार नहीं है हमें दोनों पहलुओं से अपने आप को चेक करना है हम दूसरे की बात को कितने ध्यान से सुनते हैं और उससे क्या सबक लेते हैं और जो सबक सीखते हैं उसको आगे कितना मुंतकिल करते हैं बेशक की हर पोषिदा चीज से वाकिफ है कोई हिस्सा ही होता है जो कि इंसान को मिलता है और जो फिर वो आगे भी मुंतकिल करता है आगे में वो तो सीनों के छुपे हुए रास्त तक जानता है वही तो है जिसने तुमको जमीन में खलीफा बनाया अब जो कोई कुफ्र करता है उसके कुफ्र का वबार उसी पर है और काफिरों को उनका कुफर इसके सिवा कोई तरक्की नहीं देता कि उनके रब का गजब उन पर ज्यादा से ज्यादा भड़कता चला जाता है काफिरों के लिए खसारे में इजाफे के सिवा कोई तरक्की नहीं है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे कहो कभी तुमने देखा भी है अपने उन शरीकों को जिन्हें तुम खुदा को छोड़कर पुकारा करते हो मुझे बताओ उन्होंने जमीन में क्या पैदा किया है या आसमानों में उनकी क्या शराकत है अगर ये नहीं बता सकते तो इनसे पूछो क्या हमने कोई तहरीर लिख कर दिया है जिसकी बिना पर अपने इस शर के लिए कोई साफ सनद रखते हो नहीं बल्कि ये जालिम एक दूसरे को महज फरेब के झांसे दिए जा रहे हैं हकीकत ये है हकी कि अल्लाह ही है जो आसमान और जमीन को टल जाने से रोके युम्सी कुस वाल अर्दा अंत दूला। अंत दूला है हुए इन अल्लाह अल्लाह अर्द ने थामा हुआ जो आसमान और जमीन को टल जाने से रोके हुए है और अगर वो टल जाए तो अल्लाह के सिवा कोई दूसरा उन्हें थामने वाला नहीं है बेशक अल्लाह बड़ा हलीम और दरगुजर फरमाने वाला है ये लोग कड़ी कड़ी कस्में खाकर कहा कर कहा करते थे कि अगर कोई खबरदार करने वाला उनके यहाँ आ गया होता ये दुनिया की हर दूसरी कौम से तो ये दुनिया की हर दूसरी कौम से ज्यादा बढ़कर रास्ता होते मगर मगर जब खबरदार करने वाला उनके पास आ गया तो उसकी आमद ने इनके अंदर हक से फिरार के सिवा किसी चीज में इजाफा ना किया ये ज़मीन में और ज्यादा इस्तकबार करने लगे और बुरी बुरी चल, चाले चलने लगे हालांकि बुरी चालें तो अपने चलने वालों ही को लेकर बैठ जाती हैं अब ये क्या लोग इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि पिछली कौमों के साथ जो कुछ होता आया है वही बर्ताव इनके साथ भी किया जाए यही बात है तो, तो तुम अल्लाह के तरीके में हर कोई तब्दीली ना पाओगे और तुम कभी ना देखोगे अल्लाह की सुन्नत को उसके मुकर रास्ते से कोई ताकत फेर सकती हैुजर लोग लोग है। चुके हैं और इनसे बहुत ज्यादा ताकतवर थे अल्लाह को कोई चीज आजिश कर देने वाली नहीं है ना आसमानों में और जम, ना जमीन में वो सब कुछ जानता है और हर चीज पर कुदरत रखता है अगर वो कहीं इन लोगों को उनके किए करतूतों पर पकड़ता तो जमीन में किसी मुतनाफिस को जीता ना छोड़ता अब ये यही फिर जो मैंने बिल्कुल शुरू में टेक्स पढ़ा था कि ये कुरान ही है जो कि इंसानों को ऊपर से नीचे जवाल कामयाबी से जवाल की तरफ लेकर चला जाता है और यही बात इन्हीं आयात के अंदर हमने देखी है और हम मुस्तकिल मुस्तकिल देखते आ रहे हैं अल्लाह मुस्तकिल ऐसी कौमों का तस्कर करते रहे हैं जहां पर के जिनको अल्लाह ताला ने पहले ताकत दी और ताकत के बाद फिर वो जमीन में जवाल के, के की जानब गए यहाँ मैं मुख्तर आपके सामने चंद एक पॉइंट्स रखती हूँ जो ये बताते हैं कि कौमों की हलाकत की दरअसल वजूहात क्या होती है वो क्या वजह हुई जो हमने पहले देखी है लेकिन जहर हारी की अपनी मुख्त थी कि जिनकी वजह से कौमे जो हैं वो तबाही का शिकार होती हैं उसमें सबसे बड़ी चीज जो है वो इस्तकबार है तकबुर है अपने आप को बड़ा समझना कौमों की तबाही का एक बहुत बड़ा सबब जो है वो जमीन के अंदर अपने आप को तकबर करना और जमीन में खुद सरी की रविश इख्तियार करना अपने मुकाबले में हरे को हेच और कम तर समझना और खैर खां की नसीहत और खैर खाई को ठुकरा देना जब भी कोई फर्द या कौम इस उम में मुबला हो जाए कि वो सबसे बुलंद और बरकत है, बरतर है वो अकल कुल है दूसरे सब नादान और बेवकूफ़ हैं और अपने फन अपनी सियासी माशी और तमदनी तरक्की पर तराने लगे तो अपनी तबाही को खुद दावत देने लगती है तो पहली वजह जो है वो इस्तकबार है यानी तकबूर है अपने आप को बड़ा समझना है दूसरी फसाद फिलर साब कौमों के बिगाड़ उनकी तबाही का एक बड़ा सबब जमीन में फसाद है जब किसी फर्द या कौम में फसाद आता है तो उसकी फादियत खत्म हो जाती है उसका वजूद नुकसानदेह साबित होने लगता है फसाद की जिद सलाह है किसी चीज की इफादियत का बाकी रहना और दूसरों के लिए इसका कहारमद और मुफीद होना सलाह है जो कौम तबाह हुई कुरान ने उनका एक जुर्म बयान किया है कि वो जमीन में फसाद फैला रही थी उनके जरिए दुनिया को फायदे नुकसान की जग... नफा की जगह नुकसान पहुंच रहा था उन्होंने कत्लो खुन रेजी कुशी खेतों और बागों की तबाही माशियात की तबादी ताल्लुक की खराबी हकूक की पामाली कारोबार में झूठ धोखा फ्रेप जैसी रविश इख्तियार की थी जिसके नतीजे में फिर अल्लाह तला ने उनको तबाह किया इसी तरह से तीसरी चीज जो इनके जो कौमों की तबाही का वजह बनती है वो जुल्म ज्यादती है यानी जिसमें के शिरक शिर को भी जुल्म जुल्म कहा गया और बहुत सारी कौमे जो हम पुरानी जिनके पार्ट में हम पढ़ते आ रहे हैं वो इसी बिना पर घला की गई कि वो शिर किया करती थी लेकिन जुल्म की कोई भी शख्स जिसमें इंसान अपनी फेहमो फरासियतों का गलत इस्तेमाल करता है और दूसरों के ऊपर जुल्म करता है या फिर कोई कौम अपनी इसी तरह से अपनी सलाहियतों का गलत इस्तेमाल करती है और दूसरी कौमों पर जुल्म करती है तो ज़ाहिर फिर अल्लाह तला की तरफ से किसी वक्त उसकी रस्सी खींची जाती है और चौथी चीज गुनाहों का इतकब है जब भी कोई दुन, कौम दुनिया ही को सब कुछ समझ बैठे और अपने मसाले याद को ऐशो ऐशरत में लगा दे फिर उसको फरोज की फजूर की राह पर चढ़े तो अल्लाह की हिदायत रहनुमाई का इनकार कर दे उसके रसूल की तकजीब और उसके खिलाफ साजिशें करने लगे तो फिर आ, अजाब आए और आ सकते हैं यानी कि अल्लाह ताला का निज़ाम है वो ऐसे तमाम मामला में फिर अपना फैसला सुना देता है तर्जमा है मगर वो उन्हें एक वक्त मुकर के लिए मोहलत दे रहा है फिर जब उनका वक्त आ लगा आन पूरा होगा तो अल्लाह अपने बंदों को देख लेगा ये सूर्य फातिर थी सूरह सबा का जोड़ा थी आगे यासीन और सूर्य दोनों जोड़ा है सूर्य यासीन जो है ये मक्के इब्तदाई दौर में दरमिया दौर में यह आखिरी के दौर में नाजिल हुई है इसके बारे में ज्यादा वाज तौर पर नहीं पता है लेकिन बहरहाल ये मक्की सूरत है और इसमें तीन चीजों के ऊपर यानी पूरे दलायल के साथ बात की गई है एक कायन के आसार के ऊपर दूसरे आखरत और के आसार के ऊपर और आखरत की दल के बारे में दलायल है और तीसरे नबी करीम अलैहि वसल्लम की नबूत के बारे में दलायेल इमाम अहमद और अबू दाऊद की रिवायत है कि नबी करीम सर... वसल्लम फरमाया यासीन कलबुल कुरान है यानी सूरत कुरान का दिल है उसी तरह की तशबीह है जैसे सूरह फातिहा को उमल कुरान कहा गया है सूरह फातिहा को उमुल कुरान इसलिए कहा गया था कि उसमें कुरान की पूरी तालीम का खुलासा है और सूरह यासीन को कुरान का धड़कता हुआ दिल इसलिए कहा गया है कि वो कुरान की दावत को नहायत पुरजोर तरीके से पेश करती है जिससे जमूर टूटता है और रूह में हरकत पैदा होती है इसी तरह से एक और इबन माजा में रिवायत है कि रसूल फरमाया अपने मरने वालों पर सूरा यासिन पढ़ा करो उसकी मसलियत यह मरते वक्त मुसलमान के में ना सिर्फ ये कि इस्लामी अकायद ताज़ा हो जाए बल्कि खसूसियत के साथ उसके सामने आलम आखरत का पूरा नक्शा आ जाए और वो जान ले के हयात दुनिया की मंजिल से गुजर कर अब आगे किन मंजिलों से उसका सबका पेश आने वाला है इस मसलियत की तकमील के लिए ये मुनासिब मालूम होता है कि गैर अरबीना आदमी को सूर्य यासिन सुनाने के साथ उसका तस्करा उसका तर्जमा भी सुना दिया जाए ताकि तस्कीर का हक अदा हो जाए बहरहाल ये मुर्दों के पास जो कुनी के आलम में जिसके पास पढ़ी जाए तो ये उसके लिए एक सबक की हैसियत रखती है सूर्य यासीन शुरू करते हैं रहीम यासीन कसम है कुरान हकीम की कि तुम यकीनन रसूलों में से हो यहाँ पे कुरान हकीम का लफ्ज जो है वो इस्तेमाल हुआ है और आ, कुरान को हकीम क्यों कहा जाता है या कुरान की क्या खसूसियात हैं जिनकी बिना पर उसको हकीम कहा गया है ये मुख्तिर बस मैं आपके सामने चंद एक बातें रखूंगी हिकमत हम पढ़कर आए हैं नबी हिकमत, हिकमत खैर कसीर है हदीस में आता है कि वो शख्स काबिल रश्क है जिसे हिकमत की दौलत मिल जाए जब कुरान के साथ हकीम का लफ्ज लगता है तो इसके अंदर अदल इम हिल्मी बुर दुबारी और नरमी तीनों चीजें आती हैं अदल आता है कुरान अदल पेश करता है कुरान इल्म पेश करता है कुरान नरमी की चीज जो है वो पेश करता है और कुरान जो है इसके अंदर अगर हम मुख्तर मुख्तर बस मैं आपके सामने चंद एक पॉइंट्स रखती हूँ कि कुरान के अंदर असल में मार्फत की जितनी सारी चीजें हैं वो उसको सिखाती है कुरान के अमल के तरफ जो रागिब करता है ये इल्म और अमल दोनों का नाम है ये खाली इल्म का नाम नहीं है वो दरअसल इंसान को हमत की जानब लेकर जाता है कुरान जो इंसान के अंदर सलाहियत पैदा करता है गौर वफिक्र की और फैसला करने की वो उसको असल में हमत की तरफ लेके जाता है कुरान इंसान के अंदर वो मजबूती पैदा करता है वो यकीन पैदा करता है वो एहसास पैदा करता है जो कि उसकी जो कि उसको इतना फहम दे देती है जो कि उसको फिर हिकमत की लेकर जाता है कुरान इंसान को के साथ मजबूत बुनियाद पे खड़ा करता है और इंसान के अपने जिंदगी के तजुर्बा जो हैं, वो उसको दरअसल फिर मिला कर असल में कुरान जो है वो हिकमत की जानब लेके जाता है और कुरान नाजुक कामों को मजबूत तरीके से करना जो है वो सिखा देता है यानी वो चीजें जो कि बाजुकात इंसानों को मुश्किल दिखाई दे रही होती है उनकी जानब कुरुमाय करता है कि कैसे उसको इख्तियार किया जा सकता है कुरान अखलाक तहजीब के जरिए इंसान को हमत सिखाता है और कुरान ये बताता है कि गुस्सा और जज्बातीत का जो शव शिकार होगा वो हकमत नहीं पा सकता है ये चंद एक पॉइंट्स हैं असूल हैं कुरान की हमत को समझने के लिए अगर इंसान चाहता हो तो उसको अपने ऊपर गुस्से के साथ उससे पे कंट्रोल पैदा करना चाहिए यहाँ पे उस शख्स को कहा जाएगा जो सही फिक्र के साथ अमली सूझबूझ रखता हो जो हक वाफ के साथ लोगों के दरम्यान फैसला करे जिसका दामन जुलमो ज्यादा से पाक हो जिसके अमाल में सतीहत ना पाई जाए जो हर काम में पुख्तगी और इसकाम को सामने रखे जो गलत कार्यों से बचा रहे और जिसकी सीरत और किरदार में बुलंदी पाई जाए चुनाचे इसी वजह से बाज लोग कहते हैं कि हद बशरीत के अंदर अल्लाह ताला की सिफात अपने अंदर पैदा करना दरअसल हिकमत है यानी अल्लाह की सिफात को जितना अपने अंदर पैदा करते चले जाए हमत उतनी इंसान सीखता चला जाता है बारा शुरू करते हैं यासीन कसम है कुरान की तुम यकीन रसूलों में से हो याल्ल तक ने नबी करीम सजरम को तसली दी है कि तुम रसूलों में से हो सीधे रास्ते पर हो और ये कुरान गालिब और रहीम हस्ती का नाजर करता है ताकि तुम खबरदार करो एक ऐसी कौम को जिसके बाप दादा खबरदार ना किए गए थे और इस वजह से वो गफलत में पड़े हुए हैं अब इससे मुराद ये नहीं है कि उनके बाप दादा जो थे उन तक कोई खबरदार करने वाला आया नहीं था ये कुरान का अंदाज है या अल्लाह ताला की सुन्नत रही है कि जब भी किसी कौम के अंदर कोई नबी मौजूद होता है और उसके असरात भी नस्ल दर नस्ल तक फैलते चले जाते तो जब किसी जगह पर जाके ये असरात खत्म हो जाते तो फिर अल्लाह ताला दूसरा नबी जो है वो भेजा करता था ये अलहदाबाद है कि बाजुकातर इलाके इलाके दूर, दूर दूर के इलाकों में एट ए टाइम भी अम्बिया मौजूद थे लेकिन बहरहाल ये उसकी हमत से बाहर है कि वो इंसानों को उस चीज के ऊपर पकड़े जिसमें के असल में उसने कोई रास्ता जो है उनके सामने खोल कर ना रखा हो इसलिए मौजूदा दौर में भी ये अब इंसान के अपने ऊपर डिपेंड करता है कि वो इस हिदायत को लेने के लिए क्या कोशिशें करता है वरना अल्लाह ताला की तरफ से हुज्जत जो है वो मुकम्मल हो चुकी हुई है और इसके अंदर इस ये इनमें से अक्सर लोग फैसला के मुस्तक हो चुके हैं इसलिए वो ईमान नहीं लाते हमने उनकी गर्दनों में तोक डाल दी है जिनमें से वो ठोड़ियों तक जकड़े गए हैं इसीलिए वो सर उठाए खड़े हैं हमने एक दीवार उनके आगे खड़ी कर दी और एक दीवार उनके पीछे हमने उन्हें ढांक दिया है अब अब उन्हें कुछ नहीं सोचता उनके लिए यकसा है तुम उन्हें खबरदार करो या ना करो ये ना मानेंगे तुम तो उसी शख्स को खबरदार कर सकते हो खूबसूरत आयत है खबरदार करो ये ना करो ये ना मानेंगे मा खबरदार तो कर सकते हो जो नसीहत की पैरवी करे वह बे देखे खुदा रहमान से डरे उसे मगफरत और अजर करीम की बशारत दे दो ये उस पर खसूसियत है जो कि बे देखे खुदा रहमान से डरता है और यानी अगर सिर्फ बे देखे रहमान नसीहत की पैरवी करने वाला हो ये दो फिर यहाँ पर आई है कि ऐसे अफराद को तुम देर नेकी की बात जो है वो बता सकते हो अच्छा अगर आप लोग मुझे कहें जिन, आज प्रोजेक्ट की अपील है तो मैं यहीं पे ब्रेक करूँ क्योंकि फिर मैंने जो टॉपिक शुरू करना है वो थोड़ा लंबा हो सकता है तो आप बताइए ठीक है ठीक है मैं बात करती हूँ आप लोग बात करें आलिया बाजी आपकी आवाज बहुत लो है जरा दोबारा और नजदीक आके शुरू कीजिए

तो प्लीज ऐसा करें आप कंटिन्यू कर लीजिए क्या हम 15-20 मिनट के बाद दोबारा अपील कर सकते हैं बस फिर आप मुझे बोल के बता दीजिएगा वैसे मैंने वॉइस बंद की भी होती है मुझे इतनी अच्छी आवाज आती नहीं है लेकिन चले मैं ट्राई करूंगी ध्यान रखूंगी ठीक है चले इनशाला आप बेशक बीस मिनट के बाद आप कर लीजिए चले मैं आप मुझे बता दीजिएगा बोल के या ना, ना मैं भूल जाऊँ मैं ट्राई करती हूँ शुरू करती हूँ अच्छा आयात पढ़ी गई है अभी वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को असल में एक तो तसल्ली दी गई है और ये कहा गया है कि तुम रसूलों में से हो सीधे रास्ते पर हो और ये कहा गया है कि तुम खबरदार करो एक ऐसी कौम को जो कि अब तक खबरदार नहीं की गई थी और तुम्हारा काम बस ये है कि तुम आगे बात को मुंतकिल करते जाओ अब यहाँ पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैसियत अगर हम एक दाई की दावत दीन कुरान और दावत आज हमारा मौजू है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इकदाई की हैसीयत से जो कैफियात थी थोड़ा सा वो मैं आपके सामने रखती हूँ वो कम तो अल्लाह ताला का था और वो ज़ाहरा उन्होंने अपनी जिंदगी में उसके लिए सैय जुदोजहद की लेकिन बहरहाल ये एक ऐसी जबरदस्त किस्म की आजमाइश भी आप कह लेंगे दारी थी जो अल्लाह ताली की जानव से उनको दी गई थी और जिसकी खातिर उन्होंने जदोजोहद की थी थोड़ा सा मैं आपके सामने पढ़ती हूँ कुफर शुर के तारीख माहौल में एक हसास इंसान आंख खोलता है वो अपने चारों तरफ हजारा खुदाओं की परश्ती छोड़ते देखता है बद के तारी और बद अख्लाकी हयासोज हरकतें देखता है जुल्म के खत्म ना होने से इंसानियत सोज मनाजिर देखता है तो वो कुर्ता है आदम की औलाद का याल इससे देखा नहीं जाता वो उनकी हिदायत के लिए बेचैन होता है

खुदा के बताते और हिदायते देते हैं। लेकिन जिम्मेदारी के का ये हाल है कि लोगों से पूछते हैं कल के आमदे बारे में पैगाम पहुँचाया नहीं या नहीं लोगों जरा मुझे जवाब दोगे उस वक्त उस वक्त तुम क्या जवाब दोगे अजमा ने ये आवाज़ होकर कहा खुदा के रसूल हम गवाही देते हैं आपने खुदा का पैगाम पहुँचा दिया आपने जालत का खदा कर दिया आपने खरे खोटे की खूब खूब नसीहत फरमा दी मजमे की इस इज्तमी शहादत और फिजा को लर्जा देने वाली आवाज से भी आपकी तस्किन ना हुई आपने शहादत की उंगली आसमान की तरफ उठाते हुए लोगों की तरफ झुकाई और फरमाया ऐ खुदात सुन तेरे बंदे क्या कहते हैं खुदाया तो अपने बंदों की गवाही पर गवाह रहना फिर फरमाया खुदाया तो अपने बंदों की गवाही पर गवाह रहना फिर तीसरी बार फरमाया खुदाया तू अपने बंदों की गवाही पर गवाह रहना खुदाया ये साफ साफ इकरार कर रहे हैं कि मैंने ठीक ठीक तेरा पैगाम पहुंचा दिया तो एक तो ये शिद्दत का एहसास था नबी करीम का जिसका कि उनको आखिर वक्त तक हमें रास्ता आ, मतलब निगाह जो है वो बताती है कि आखिर तक ये एहसास था दूसरी चीज जो नबी करीम के अंदर थी वो ये थी कि अल्लाह तला की रजा की खातिर वो तो जिदोजहद करें ताइफ वालों को पैगाम हक सुनाने के बाद जब आप लहू और गम से ढाल वापस हुए तो राह में आपने खुदा से दुआ की इस खुदा इस दुआ को पढ़िए इसके एक एक हकीकत टपकती है कि, कि रसूल खुदा के दिल में बस एक ही शौक समाया हुआ था कि मुझसे मेरा परवरदिगार खुश हो जाए उसकी रजा हासिल हो तो सब कुछ गंवा है और अगर परवरदिगार राजी है तो ना किसी दुख और तकलीफ की शिकायत है ना किसी के जुल्म और ज्यादा की परवाह है आप अपने खुदा से फरियाद करते हैं अल्लाह मैं तुझे अपनी बेबसी और बेचार की और लोगों की निगाह में अपनी बेकदरी का शिकवा करते हूँ ए तू ही कमजोरों का रब है और तू ही मेरा भी रब है तू मुझे किसके हवाले कर रहा है क्या किसी बेगाने के हवाले जो मेरे साथ दुरुस्ती और सख्ती से पेश आए या किसी दुश्मन के हवाले जो मुझ पर काबू पा ले अगर तू मुझसे खफा नहीं तो मुझे किसी मुसीबत की परवाह नहीं मगर फिर भी अगर तेरी तरफ से मुझे आफियत मिल जाए तो मेरे लिए इसमें ज्यादा कुछ आदगी है मैं पनाह चाहता हूँ तेरी के नूर की जिससे तारीखियां छट जाती हैं और जिससे दुनिया और आखिरत के सारे मामला सुधर जाते हैं इससे मुझे बचा ले कि तेरा गजब मुझ पर नाजिल हो या मैं तेरे अताब का मुस्तक बनू मैं तेरी नाराजी दूर करने में लगा रहा यहाँ तक कि तू राजी हो जाए खुदाया तेरे सिवा किसी के पास दावत नहीं है फिर इसी तरह सेजत अब्दुल्ला बिन उमर का बयान है कि एक बार हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सफर जहाद पर जा रहे थे कुछ लोगों के पास हमारा गुजर हुआ रसूल अल्लाह ने उनसे पूछा तुम लोग कौन हो वो बोले हम मुसलमान हैं, हैं। वह एक औरत खाना पका रही थी और ईंधन डाल डाल कर आग भड़का रही थी जब आपकी लपट तेज हो जाती तो अपने बच्चे को आग से बचा लेने के लिए दूर हटा लेती फिर वो आपके पास आई और बोली क्या आप खुदा के रसूल हैं उन्होंने फरमाया बेशक मैं खुदा का रसूल हूँ औरत ने कहा क्या खुदा अरहम और राहमीन नहीं है आपने फरमाया क्यों नहीं वही सबसे ज्यादा रहम फरमाने वाला है फिर बोली क्या खुदा अपने बंदों पर इससे ज्यादा मेहरबान है जितनी माँ अपने बच्चों पर होती है आप सल्लूस ने जज्बे के साथ फरमाया बेशक खुदा अपने बंदों पर इससे कहीं ज्यादा मेहरबान है जितनी कि एक माँ अपने जिगर के टुकड़ों पर हो सकती है यह सुनकर औरत ने कहा या रसूल अल्लाह माँ तो कभी अपने बच्चे को आग में डालना पसंद नहीं करती ये सुनते ही रहमत आलमीन सलील सल्लम ने सर झुका लिया कुछ देर के बाद आपने सर उठाया और यकीन में डूबी हुई आवाज में फरमाया खुदा हरगज किसी को जाब में नहीं डालेगा मगर जो सरकश और मतकबर बनकर उसकी तोहिद का इनकार कर दे और आखिरी चीज़ जो नबी करीम के अंदर शिद्दत से पाई जाती थी वो ये थी कि वो आख दूसरों की आखरत की फलाह के लिए जदोजहद करने वाले थे मुस्तकिल मुस्तकिल उनके अंदर ये फिक्र लगी हुई थी कि अल्लाह के बंदों की आखरत को बचा लिया जाए तो यही वो असल में जो इंजार है और यही वो हैं जो कि यहाँ पे नायात में हमने पढ़े थे। आगे तर्जमा पढ़ते हैं। हम यकीनन एक रोज मुर्दों को जिंदा करने वाले हैं जो कुछ अफाल उन्होंने किए हैं वो सब हम लिखते जा रहे हैं जो कुछ आसार उन्होंने पीछे जोड़े हैं वो भी हम सब कर रहे हैं हर चीज को हमने एक, एक खुली किताब में दर्ज कर रखा है अब यहाँ पे ये जो बात कही गई है कि इंसान ने जो अफआल किए हैं वो हम लिखते जा रहे हैं और जो आसार उन्होंने पीछे छोड़े हैं वो भी हम सब करते जा रहे हैं यानी इंसान के तमाम अमाल या अच्छे या बुरे जो भी उसने अंजाम दिए हुए होंगे वो सब के सब सब तो रहे हैं और ये सारे नकोश उस वक्त उभर कर आ जाएंगे जबकि इंसान आखिरत में अल्लाह ताला के पास खड़ी हो हत्ता कि उसकी अपनी आवाज उसको सुनाई देगी अपने ख्याल और नीयत इरादों की पूरी दास्तान उसकी लोहे जमीन पर लिखी भी आए जहन पर लिखी हुई आएगी उसके एक एक अच्छे और बुरे अफाल उसकी तमाम हरकत वक्नात की तस्वीरें सामने आ जाएंगी और उसके अपने मरने के बाद उसकी आइंदा नस्ल पर अपने माशरे पर पूरी इंसानियत पर अपने अच्छे और बुजुर्ग भी असरा वो छोड़ कर गया जहां तक वो जाते रहेंगे वो तमाम असरा जो हैं वो भी उसके लिए नेकी यानी या नेकियों में इजाफा या फिर बुराइयों में इजाफे का जरिया बन जाते हैं जैसे इंसान अच्छा लिटरेचर लिखता है तो वो उसके लिए मरने के बाद भी सदका का जारिया बनता है या औलाद है या अच्छा इल्म है जो वो आगे देता है या माल जो वो खर्च करता है और अगर वो कोई बुरी चीज़ छोड़ के जाता है तो जब तक उसके असरात रहते हैं उस वक्त तक वो चीज़ इंसान के आखरत में भी उसकी सज़ा का जरिया बनती रहती है हर चीज को हमने खुली किताब में दर्ज कर रखा है इन्हें मिसाल के तौर पर उस बस्ती वालों का किस्सा सुनाओ जबकि उसमें कुछ रसूल आए थे अब ये किस्सा जो है ये असल में आप ये एक आम शख्स का जो मेरे और आपकी तरह का किस्सा है जिसने के फिर अपने अंदर ये जज्बा बेदार किया या जिसके अंदर ये जज्बा था कि उसने दीन की बात आगे पहुंचाई थी मैं हम पढ़ते हैं इसको इन्हें मिसाल के तौर पर इस बस्ती का किस्सा सुनाओ जबकि उसमें रसूल आए थे ये अब कहा जाता है कि गालिबा हजरत आ, हजरत अः ईसा इस्लाम के बाद की बात है हमने उनके दरमियान उनकी तरफ दो रसूल भेजे और उन्होंने दोनों को झुटला दिया फिर हमने तीसरा मदद के लिए भेजा उन सब ने कहा हम तुम्हारी तरफ की हैसीत से भेजे गए हैं बस्ती वालों ने कहा तुम कुछ नहीं हो मगर हम जैसे इंसान और खुदा रहमान ने हरगिस कोई चीज नाजिल नहीं किया तुम लोग झूठ मह झूठ बोलते हो रसूलों ने कहा हमारा रब जानता है कि हम जरूर तुम्हारी तरफ भेजे गए हैं और हम पर साफ साफ पैगाम पहुँचा देने के सिवा कोई जिम्मेदारी नहीं है यही जो बात मैंने अभी आपको शुरू में दावत द्दीन के टॉपिक में बताई थी कि कि रब्बुन इन्ना अल्लाह जानता है कि हम है, हम हम हैं हैं रसूल है। वमा अलैना इल्ला अल मुबीन हमारे पास कोई जिम्मेदारी नहीं है सिवाय साफ बात पहुंचा देने के बस्ती वाले कहने लगे हम तो तुम्हें अपने लिए फाले फालिबत समझते हैं अगर तुम बाजना आए तो हम तुमको संसार कर देंगे और तुमसे तुम हमसे तुम हम बड़ी सर्दनाक सजा पाओगे रसूलों ने जवाब दिया तुम्हारी फालिबत तो तुम्हारे अपने साथ लगी हुई है क्या ये बातें तुम इसलिए करते हो कि तुम्हें नसीहत की गई असल बात यह है कि तुम हद से गुजरे हुए हो इतने में शहर के दूर गोशे से एक आदमी दौड़ता हुआ आया और बोला ऐ मेरी कौम के लोगो रसूलों की पैरवी अख्तियार करो पैरवी करो उन लोगों की जो तुमसे कोई अजर नहीं चाहते और ठीक रास्ते पर हैं आखिर में क्यों ना खूबसूरत आयत है वमा आखिर क्यों ना मैं उस सस्ती की बंदगी करूं जिसने मुझे पैदा किया है और जिसकी तरफ तुम सबको पलट कर जाना है क्या मैं उसे छोड़कर दूसरे महबूद बना लूं हालांकि अगर खुदा रहमान मुझे कोई नुकसान पहुंचाना चाहे तो ना उसकी शिफात मेरे किसी काम आ सकती है और ना ही वो मुझे छुड़ा ही सकते हैं अगर मैं ऐसा करूँ तो मैं शेरी गुमराही में मुतला हो जाऊंगा मैं तो तुम्हारे रब पर ही ले आया तुम भी मेरी बात मान लो आखिरकार उन लोगों ने उसे कतल कर दिया और उस शख्स से कह दिया गया कि दाखिल हो जाए जन्नत में उसने कहा काश मेरी कौम को मालूम होता कि मेरे रब ने किस चीज की बदौलत मेरी मक़फ़र फरमा दी और मुझे बाजत लोगों में शामिल किया ये दाखिल हो जाए जन्नत में ये इसके मुखलिफ अंदाज हो सकते हैं फरिश्तों की तरफ से भी कहा गया हो, हो सकता है जब वो शख्स जो है वो कत्ल किया जाता है या फिर जन्नत में भी उसका इस्ते किया जाएगा वल्लम लेकिन बहरहाल इस वाक्य के अंदर जो चीज समझने की है या जो पॉइंट्स हमें समझ में आते हैं वो ये है कि बहरहाल ये कोई ऐसा शख्स था जिसके अंदर शदीद इसतराब था और उसने वो देखें जो अल्फाज हैं कि वो दौड़ता हुआ आया और उसने यानी वो वो पैगाम पहुँचाया जो कि उसको समझ में आ रहा था कि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो इसका नुकसान है ना एक टेक्स्ट है कि किसी यानी ये क्या जज्बा था उसके ऊपर मैं आपके सामने एक टेक्स्ट पढ़ती हूँ कि किसी दो मंजिला इमारत पर एक नन्ना सा बच्चा छत के ऊपर बिल्कुल किनारे पे बैठा है और बराबर आगे को खिसक रहा है नादान बच्चा बिल्कुल नहीं जानता कि वो अपनी खौफनाक मौत और मौतनाथ तबाही से करीब हो रहा है छत से गिरते ही उसकी हड्डियां चूर चूर हो जाएंगी उसके जिस्म जान का ताल्लुक इंतहाई अर्जा खेज तरीके पर हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा ये मंजर देखते ही आप बेचैनी और इस तरह आपके आलम में चीखने लगते हैं और हैरत अंगेज बेताबी के साथ उसको बचाने के लिए दौड़ पड़ते हैं कोई एक इंसान भी उसकी लाश फटे सर और चूर चूरहियों का लर्जा खेस मंजर देखने के लिए तैयार नहीं कौन होगा जो उस वक्त अपनी जान पर खेल कर इस बच्चे को इस खौफनाक अंजाम से बचाने के लिए बेअ्तियार दौड़ना पड़ेगा और सोचिए धारती चंगीर सोचिए धारती चिंगारती और धुएं के बादल उड़ाती देव कामत रेल पूरी कुवत के साथ दौड़ती चली आ रही है उसके पहम धमाकों से जमीन का सीना लरज रहा है दिल दहल रहे हैं और वह हैदबत नाचीख और बेपना गड़गड़ाहट गर के साथ करीब से करीब तर आ रही है आप निज़ाम वक्त की तरफ से इस खिदमत पर बिलफर्स मामूर हैं कि लोगों की जानो माल की हिफाजत करें और आप भरपूर कोशिश करते रहें कि इंसानी आबादी में कोई नाखुशगवार हादसा ना होने पाए आप क्या देखते हैं कि कुछ नादान बच्चे गाड़ी की इसी पटरी को पार करने के लिए लापरवाही के साथ आगे बढ़ रहे हैं जिस पर से गुजरने के लिए गाड़ी बेपना शोर के साथ बड़ी चली आ रही है बच्चे भी पटरी के, के करीब पहुंच चुके हैं और गाड़ी आया ही जाती है और चंद ही लम्हों बाद खाको खून में लुट रहे हुए इंसानी गोश्त और हड्डियों के टुकड़े चारों तरफ बिखरे हुए अलमनाक मंजर पेश कर रहे होंगे ये मंजर बिजली की लहर की तरह आपकी निगाहों के सामने दौड़ता है और आप पूरी कुत से चीखते हुए और जिसम की पूरी ताकत समेटते हुए इंतहाई बेताबी के साथ इन नादान बच्चों को बचाने के लिए दौड़ पड़ते हैं और बिजली किसी तेजी के साथ इन बेसमझ बच्चों को कमर से पकड़कर घसीटने लगते हैं इन दो तमसीलों के आने में दाइ आज़म नबी करीम की इसराज एहसास इस को देखिए और फिक्र नजर को वस्सत देकर आंखों से उनकी बेकरारी का मुशाह कीजिए यही कैफियत थी उस शख्स की भी जो कि हमें इन आयात के अंदर दिखाई देती है कि वह दौड़ता हुआ आया और उसने फिर उनको नसीहत की जो सिफात हमें उस शख्स की समझ में आती हैं। एक बात तो यह फाल शख्स था, यानी वो कोई मारा हुआ आदमी नहीं था बल्कि दौड़ता हुआ आया हुआ के अल्फाज बताते हैं दूसरी बात यह है कि वो मदद देने वाला फर्द था यानी वो अफराद को सही रास्ते पर बताने के लिए आगे बढ़ा बा और बादार था साहिब तदब्बर था अपनी हिदायत के बारे में फिक्रमंद हिकमत से काम लेने वाला था दर्द दर्दमंद था, था की बातों से डरने वाला नहीं था तो ये सारी उस शख्स की उसे जो है ये एक असल में दाई ही की उसाफ है जो कि हमें इस वाक्य के अंदर दिखाई देती हैं, और जो कि हमें बताती हैं कि इंसान को जहां पे भी जिंदगी में जिस कदर भी मुमकिन हो सके इंसानियत को अल्लाह ताला के रास्ते पर लाने के लिए ये कोशिश कर, करते रहना चाहिए हमारा मान भी असल में बस ये एक ऐसी कोशिश ही है ये मार्फत की कोशिश है ये दावत अल्लाह की कोशिश है ये अल्लाह ताला के साथ एक ताल्लुक पैदा करवाने की कोशिश है सीरत के साथ जोड़ने की कोशिश है ताकि हम अपनी जिंदगी को और इस अपनी आखिरत के लिए जो भी जद्दोजहद हो सकती है उसको आज ही करें तो ये एक दावत का मैदान है जिसमें के शामिल होकर हम दरअसल बस यही कोशिश करते हैं कि हम अल्लाह की मार्फत लें और अल्लाह के बंदों तक अल्लाह को पहुंचाए आगे तर्ज इसके बाद उसकी उमकर हमने आसमान से कोई लश्कर नहीं उतारा और हमें लश्कर भेजने की कोई हाजत ना थी बस एक धमाका हुआ और यका वो सब बुझ कर रह गए अफसोस बंदों के हाल पर जो रसूल भी उनके पास आया उसका वो मजाक ही उड़ाते रहे क्या उन्होंने देखा नहीं कि इनसे पहले कितनी कौमों को हम हलाक कर चुके हैं और उसके बाद वो फिर कभी उनकी तरफ पलट करना आए इन सबको एक रोज़ हमारे सामने हाजिर किया जाना है इन लोगों के लिए बेजान जमीन एक निशानी है हमने उसको जिंदगी बख्शी और उससे गला निकाला खाते हैं हमने इसमें खजूर और अंगूरों के बाग पैदा किए और उसके अंदर से चश्मे फोड़ निकाले ताकि उसके फल खाएं ये सब कुछ उनके अपने हाथों का पैदा किया हुआ नहीं है फिर क्या ये शुक्र अदा नहीं करते पाक है वो जात जिसने जुमला इकसाम के जोड़े पैदा किए खा वो जमीन की नबातात में से हो या खुद उनकी अपनी जिंस यानी नो इंसानी में से या उन अशिया में से जिनको ये जानते तक नहीं है इनके लिए एक और निशानी है रात है हम उसके ऊपर से दिन हटा देते हैं तो इन पर अंधेरा छा जाता है और सूरज अपने ठिकाने की तरफ चला जा रहा है ये जबरदस्त अलीम हस्ती का बंधा हुआ हिसाब है और चांद उसके लिए हमने अपनी मंजिलें मुकर कर दी हैं यहाँ तक कि इनसे गुजरता हुआ फिर खजूर की सूखी शाख के मानित रह जाता है सूरज जो है वो अपनी मंजिल तक जा रहा है यानी उसका एक ठिकाना है जो जहां पर जाके वो खत्म हो जाएगा जिसमें चांद जो है सूखी शाह की मानद रह जाता है यानी ये इसकी मनाजिल है जिन जो चांद की और यही ईमान की भी मंजिलें हैं न सूरज के बारे में यह है कि वो चांद को जा पकड़े और ना रात दिन पर सबकत ले जा सकती है यानी दोनों एक दूसरे को पकड़ नहीं सकते हैं कि इकट्ठे हो जाएं किसी वक्त पर जाकर और ना रात और दिन जो है वो इस तरह से इकट्ठे हो सकते हैं कि एक दूसरे के ऊपर आ जाएं सब एक एक फलक में तैर रहे हैं ये एक खूबसूरत मिसाल है जैसे समंदर के अंदर किश्तियां मछलियां तैरती हैं और किश्तियां तैरती हैं ऐसे ही आसमान के ऊपर अल्लाह तला के सितारे तैरते हैं इसको फल्फी फलकी, फलकी। यहां का लफ्ज जो है वो इस्तेमाल किया गया है अगर हम देखें कभी गौर करें तो कोई बहुत करीब होता है कोई बहुत दूर होता है कोई ज्यादा चमकदार होता है कोई कम रोशनी वाला दिखाई दे रहा होता है जो जितना दूर होता है लेकिन लगता है ऐसी है कि जैसे टिके हुए हैं बस और बगैर किसी सहारे के ऐसे लगता है कि जैसे तैर रहे हैं तर्जमा इनमें भी निशानी है कि हमने इनकी नस्ल को भरी भी किश्ती में सवार कर दिया और फिर इनके लिए वैसी किश्तियां और पैदा की जिन पर ये सवार होते हैं हम चाहें तो इनको गर्क कर दें कोई इनकी फरियाद सुनने वाला ना हो और किसी तरह ये ना बचाया जा सके बस हमारी रहमत ही है जो उन्हें पार लगाती है और एक वक्त खास तक जिंदगी से फायदा उठाने का मौका देती है इन लोगों से जब कहा जाता है कि बच्चों से इंजाम से जो तुम्हारे आगे आ रहा है और तुम्हारे पीछे गुजर चुका है शायद कि तुम पर अहम किया जाए तो ये सुनी अनसुनी कर देते हैं इनके सामने इनकी रब की आयात में से जो आयत भी आती है उसकी तरफ अल्तफात नहीं करते और जब इनसे कहा जाता है कि अल्लाह ने जो रिस्क तुम्हें अता किया है उसमें से कुछ अल्लाह की राह में खर्च करो तो ये लोग जिन्होंने कुफर किया है ईमान लाने वालों को जवाब देते हैं क्या हम उनको खिलाएं जिन्हें अगर अल्लाह चाहता है तो खुद खिला देता तुम तो बिल्कुल ही बहक गए हो ये लोग कहते हैं क्या की घड़ी आखिर कब आएगी आएगीमत की धमकी आखिर कब पूरी होगी बताओ अगर तुम सच्चो दरअसल ये जिस चीज की रास्ता करें वो बस एक धमाका है जो यका यक उन्हें इस हालत में धरेगा जब भी अपने दुनियावी मामलात में झगड़े होंगे उस वक्त ये वसीयत तक ना कर सकेंगे न अपने घरों को पलट सकेंगे फिर एक सूर फूंका जाएगा और यका यकी अपने रब के पेश होने के लिए अपनी कब्रों से निकल पड़ेंगे घबरा कर कहेंगे अरे ये किसने हमें हमारी ख्वाबगाह से उठा खड़ा किया ये वही चीज़ है जिसका खुदा रहमान ने वादा किया था और रसूलों की बात सच्ची थी एक ही जोर की आवाज होगी और सबके सब सामने हाजिर कर दिए जाएंगे आज किसी के ऊपर जुल्म ना किया जाएगा और तुम्हें वैसा ही बदला दिया जाएगा जैसा कि तुम अमल करते थे आज जन्नती लोग मजे करने में मशगूल होंगे और उनकी बीवियां मसनदों पे तकिए लगाए हर किस्म के लजीज चीजें खाने पीने की, में को उनको वहां पे मिलेंगी जो कुछ वो तब तलब करेंगे उनके लिए हाजिर है रब रहीम की तरफ से उनको सलाम किया गया और ए मुजरिमो आज तुम छट अलग हो जाओ आदम के बच्चों क्या मैंने तुमको हिदायत ना की थी कि शैतान की बंदगी ना करो वो तुम्हारा खुला दुश्मन है मेरी ही बंदगी करो और ये सीधा रास्ता है ये अल्लाह ताला का निज़ाम है एक टेक्सट है मौजूदा जिंदगी में अच्छे और बुरे लोग एक ही दुनिया में रहते हैं अगली जिंदगी में दोनों की दुनिया अलग अलग कर दी जाएंगी शैतान के बच्चे बंदे शैतान के साथ और रहमान के बंदे रहमान के साथ कोई आदमी शैतान के नाम पर शैतान की परस्तिश नहीं करता मगर बिलवासता तौर तो पर गैरुल्ला का हर प्रस्तार दरअसल शैतान का प्रस्तार है क्योंकि वो शैतान ही के तज़ीन के तहत ऐसा काम कर रहा है मगर फिर और कौमी बुजुर्गों की परस्तिश इस तरह शुरू हुई शैतान ने उनके बारे में बेअसल अकीदे लोगों केहन में डाले और लोग इन शैतानी तरगी बात से मुतासर होकर उनकी परस्तिश करने लगे जदीद से साबित हुआ कि इंसान की खाली किस्म का रिकॉर्ड है जिस पर आदमी की बोली वाजेंम होती जाती है और उनको दोहराया जाता है एक निशानी है जो इस बात को काबिल फहम बना रही है कि किस तरह आखरत में आदमी के हाथ और पाओ आदमी का अहाल सुनाने लगेंगे हर इंसान की लाशोर में खुदा का तस्वीर पैदाशी तौर पर मौजूद है हर इंसान पैदाशी तौर पर यह मिजाज रखता है कि वो खुदा को अपना बड़ा मानकर उसके आगे झुक जाए ये गोया अहद फितरत है और तो तमाम इंसान इस के जरिए अपने खुदा से बंधे हुए हैं इंसान जब इस फितरी रहनुमाई को काम में लाकर खुदा की रहनमाय के रास्ते पर चलता है तो वो खुदा की मुकर्र की सरात मुस्तकीम का मुसाफिर बन जाता है जो उसको अबदी मंजिल की तरह ले जलते हैं आगे तर्जमा है मगर इसके बावजूद तुमने इनमें से एक ग्रोह कसीर को गुमराह कर दिया क्या तुम अकल नहीं रखते ये वही जहनम है जिससे तुमको डराया जा रहा है जो कुफर तुम करते रहो उसकी पादाश में अब इसका ईंधन बनो आज हम उनके मुंह बंद किए देते हैं इनके हाथ हमसे बोलेंगे इनके पाव गवाही देंगे की दुनिया में क्या कमाई करते रहे हैं ये मैंने यहाँ पे आपके सामने अभी जो टेक्स पढ़ा है उसमें ये बात समझ में आ गई है कि इंसान के क्यामत के दिन इंसान के अपने अज़ा गवाही देंगे जो जो काम हमने उनसे किए होंगे तर्जमा हम चाहें तो उनकी आंखें मुंह दें फिर ये रास्ते की तरफ पलट कर देखें कहाँ से इन्हें रास्ता सुझाई देता है हम चाहें तो इन्हें इनकी जगह ही पर इस तरह मस्त करके रख दें कि ये ना आगे चल सके ना पीछे चढ़ पीछे पलट सके जिस शख्स को हम लंबी उम्र देते हैं उसकी साख को हम उलट देते हैं जो पीछे आयात गुजरी है सिक्सटी सिक्स और सिक्सटी सेवन अगर कहीं शदीद फसाद हो शद फसाद हो तो फिर उसके लिए आयत पड़ी जा सकती है क्या ये हालात देखकर उन्हें अकल नहीं आती हमने इस नबी को शेर नहीं सिखाया और ना शायरी उसको भी देती है ये तो एक नसीहत है और साफ पढ़ी जाने वाली किताब ताकि वह हर उस शख्स को खबरगार कर दे जो जिंदा हो और इनकार करने वालों पर हुज्जत कायम हो जाए क्या ये लोग देखते नहीं है कि हमने अपने हाथों की बनाई हुई चीजों में से इनके लिए मवेशी पैदा किए अब ये इनके मालिक हैं हमने उन्हें इस तरह के इनके बस में कर दिया कि उनमें से किसी पर ये सवार होते हैं किसी का ये गोश खाते हैं और उनके अंदर इनके लिए तरह तरह के फवाद मशरूबा हैं फिर क्या ये शुक्र नहीं गुजार नहीं होते ये सब कुछ होते हुए इन्होंने अल्लाह के सिवा दूसरे खुदा बना लिए हैं और ये उम्मीद रखते हैं कि उनकी मदद की जाएगी वे इनकी कोई मदद नहीं कर सकते बल्कि ये लोग उल्टे उनके लिए हाजिर बाश लश्कर बने हुए हैं अच्छा जो बातें ये बना रहे हैं वो तुम्हें संजीदा ना रंजीदा ना करें इनकी छुपी और खुली सब बातों को हम जानते हैं क्या इंसान ये देखता नहीं है कि हमने उसे नुतफे से पैदा किया और फिर वो सरी झुगड़ालू बनकर खड़ा हो गया अब वो हम पर मिसालें चिस्पा करता है और अपनी पैदाइश को भूल जाता है कहता है कौन इन हड्डियों को जिंदा करेगा जबकि ये पसीदा हो चुकी हो इन इनसे कहो इन्हें वही जिंदा करेगा जिसने उन्हें पहले पैदा किया था वो तख्लीक का हर काम जानता है वही जिसने तुम्हारे लिए हरे भरे दरख्त से आग पैदा कर दी और तुम इससे अपने चूल्हे रोशन करते हो क्या वो जिसने जमीन आसमान और जमीन को पैदा किया इस पर कादिर नहीं है

पाक है वो जिसके हाथ में हर चीज़ का मुकम्मल इकतदार है और वह इले तुरजाउन फसूहानलो कुल्ली व इले ही तुर जाऊन पाक है वो जिसके हाथ में हर चीज का मुकम्मल इकतदार है और उसी की तरफ तुम पलटाए जाने वाले हो एक तो जहां कहीं पे इंसान को मदद की जरूरत हो तो ये दोनों आयात जो हैं वो पढ़नी चाहिए नमाम रूही जहरा दुनू और आखिरी ये पढ़नी चाहिए जहाँ पर भी इंसान को अल्लाह जरूरत हो अब मैं ब्रेक लेती हूँ अब आप ट्राई कर लें और अगर नहीं आप करेंगे तो फिर मैं दोबारा आगे शुरू कर दूंगी फिर आप कल कर, कर लीजिएगा ठीक है बंद करी आगे आप ट्राई करें जी बरकातहू आप बताइएगा आवाज आ रही है सही

आज जहां हर तरफ इल्मो टेक्नोलॉजी और साइंस की तरक्की के चर्चे हैं वहां दीन इस्लाम से इतनी ही अदम बख़्तियत है आज हम कुरान और सुन्नत से रू-गर्दानी करके अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी में जिंदगियां गुजार रहे हैं जिसके नतीजे में आज हम देखते हैं कि हर तरफ कत्ल وغارت اغوا دہشت گردی ظلم و ناانصافی اور پدمنی کے گہرے بادل چھائے ہوئے रोजाना बेशुमार इंसानी जिंदगी लड़ाई झगड़ों और फसाद की भेंट चढ़ रही है जिसके नतीजे में औरतें बेवा और बच्चे यतीम हो रहे हैं बेरोजगारी के साए बढ़ते जा रहे हैं गरीब बेरोजगार बेरोजगारी और ना इंसाफी और जुल्म की चक्की में पिस रहा है हर संत मायूसी नाउमीदी बेसकूनी की एक चादर तली जिसके नीचे इंसानियत मुंह छुपाए सिसक रही है अजीज साथियों ऐसे ही फितनों भरे दौर में ऐसे ही फितनों भरे दौर में हमारी चंद बहनों ने 2005 में एक इदारे की बुनियाद रखी जिसको हल्का नूरुल ईमान का नाम दिया गया इसका नस्बुल अल्लाह की रजा और आखिरत की कामयाबी बनाया गया अल्हम्दुलिल्लाह ये एक लीगल इस्लामी ऑर्गेनाइजेशन है जो यूरोप के मुख्तलिफ मुल्कों और शहरों में औरतों और बच्चों को कुरान की तालीम से रोशनास करवा रही है हल्का नूरमान में तमाम बहने फी सभी खिदमत कर रही है युसरा प्रोजेक्ट जिसका नाम आप पिछले काफी रोज से सुन रही हैं ये एक ऐसा मरकज बनने जा रहा है जहां न सिर्फ बच्चे बल्कि खातन और हमारे भाई यानी हमारे मर्द हजरा भी बाकायदा कुरान की तालीम हासिल करेंगे इनशाला अजीज बहनों में आपके इल्म में लाना चाहूंगी यहाँ इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन को स्टेट किसी भी तरह की कोई मदद माली मदद नहीं देती लिहाजा ये बेड़ा खुद इमाम ने उठाया है इसी सिलसिले में हमें आप सब आप सब बहनों की ज्यादा से ज्यादा माली मदद दरकार है मेरी आप सब बहनों से गुजारिश है कि आप ना सिर्फ खुद इस कार्य खैर में हिस्सा लें, बल्कि अपने बच्चों शोहर भाई हजरात रिश्तेदार पड़ोसी और दोस्तों को भी इसका हिस्सा बनाएं। बहनों ये सदका जारिया है आइए हमारे साथ मिलकर इस कार्य खैर का हिस्सा बनिए और हमारे इस मिशन को मुकम्मल करने में हमारा साथ दीजिए ये मदद न सिर्फ जक़ात सदकत और कर्ज हंसना की सूरत में दी, दी जा रही है बल्कि हमारी चंद खुश नसीब बहनों ने अपनी जायदाद और अपने मनपसंद जेवरात तक दे दिए हैं अल्लाह उन बहनों को जन्नत का हकदार बनाए आमीन नबी पाक सल्हम रमज़ान के महीने में बे इनतहा सदका खराब करते थे हमें अम्बिया सहाव कराम और सहाबियात की जिंदगी से बेशुमार ऐसी मिसालें मिलती हैं जहां उन्होंने अपना सब कुछ दीन इस्लाम की राह में कुर्बान कर दिया और उन जन्नतों के मकीन बने जिनका तस्करा कुरान में अल्लाह बार बार करते हैं सुरह कहा कि आय तीस का तर्जमा है यही लोग हैं जिनके लिए दायमी बाग़ात हैं जिनमें नहरें बह रही हैं वहां इनको सोने के कंगन पहनाए जाएंगे और बारीक रेशम और इतलस और बारीक रेशम और इतलस के सब्ज कपड़े पहनेंगे वहां वो ऊंचे तख्तों पर तकिया लगाकर बैठेंगे ये कैसा अच्छा बदला और कैसी अच्छी आरामगाह गाह है सुबह अजीज बहनों आपको दूसरा प्रोजेक्ट से मुतल जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए आप इस ग्रुप में लिखिए हमारे बैंक अकाउंट्स मौजूद हैं इसके अलावा आप मंथली बेसिस पर भी अपने डोनेशन भेज सकती हैं और हमारे दो यूट्यूब इस वक्त इसी मकसद के लिए काम कर रहे हैं आइए बढ़ चढ़ कर अपनी अपनी जिंदगी को संवारने की कोशिश करें इस इंसानियत के इल्म की पुकार है दावत दीन ही एक मोमिन है आओ कदम चुनाए जहाँ जन्नत की पुकार है जजाक खैर असला वरक वालेकुम अस्सलाम वालेकमल अल्लाह ताला आपकी इस पुकार का बेहतरीन जवाब आपको दे ताला शुरू करते हैं रहमान रहीम सूरह साफ़ात है यह सूरह यासीन का जोड़ा है इसका मिलता जुलता मजामी दोनों के पाए जाते हैं और ये आ, मक्की सूरत है तर्जमा है दर कतार सफ बांधने वालों की कसम फिर उनकी कसम जो डांटने फिटकारने वाले है फिर उनकी कसम जो कलाम नसीहत सुनाने वाले हैं तुम्हारा मबूद हकीकी बस एक ही है तीन कस्में खाई गई हैं और ये तीन ये फरिश्तों के बड़े मुफसरीन ये कहते हैं कि इनसे मुराद फरिश्ते हैं पहले फरिश्ते कितार, दर कितार सब फरिश्तेने वाले जो हर वक्त अल्लाह के तहकाम की तकमील के लिए दस हर वक़्त मुस्तैद रहते हैं दूसरी डांटने फटकारने वाले इससे मुराद बादलों को हाँकने वाले बारिश का इंसान करने वाले या फिर न मुजरमों को और नाफरमानों को हाँकने वाले भी हो सकते हैं और तीसरी जो कलाम नसीहत सुनाने वाले हैं जो कि अल्लाह तला का पैगाम दो है वो बंदों तक मुंतकिल करने वाले तुम्हारा मबूद हकी ये तीन कस्में तीनों की कस्में खाने के बाद जो बात कही गई है वो ये है कि तुम्हारा मबूद हकीकी बस एक ही है यहाँ से हमें फरिश्तों का भी अंदाजा होता है कि वो किस तरह की अः मखलूक है या वो क्या जिम्मेदारी जो है वो अदा करते हैं आगे तर्जमे वो जो आसमानों और जमीन का और तमाम उन चीजों का मालिक है जो जमीन व आसमान में है और सारे मशरकों का मालिक है तमाम मशर हर चीज का अपना भी एक मशरक होता है और पूरी जमीन का भी एक मशरक है में हमने आसमानी दुनिया को तारों की जीनत से आरास्ता किया और हर शैतान सरकस से इसको महफूज कर दिया ये बात मैंने पहले भी बताई थी कि शाहब होते हैं जो कि उनको फिर मारने के लिए दौड़ते हैं ये शैतान शैतिन मलाय आला की बातें नहीं सुन सकते हर तरफ से मारे और हांके जाते हैं और उनके लिए पैमजाब है, मजाब है। तहम अगर कोई इनमें से कुछ ले उड़े तो एक देश शोला उसका पीछा करता है अब इनसे पूछो इनकी पैदाइश ज्यादा मुश्किल है ये उन चीजों की जो हमने पैदा कर रखी हैं इनको तो हमने लेसदार गारे से पैदा किया है तुम अल्लाह की कुदरतों के करिश्मों पर हैरान हो और ये उसका मजाक उड़ा रहे हैं समझाया जाता है तो समझ कर नहीं देते कोई निशानी देखते हैं तो उसे ठट्ठों में उड़ा देते हैं और कहते हैं ये तो सरी जादू है भला कहीं ऐसा हो सकता है कि जब हम मर चुके हों और मिट्टी बन जाए और हड्डियों का पिंजर बन जाए उस वक्त फिर हम बंदा करके दोबारा उठा खड़े किए जाए और क्या हमारे अगले वक्तों के अबाव भी उठाए जाएंगे इनसे कहो हाँ और तुम खुदा के मामले में बेबस हो बस एक झिड़की ही होगी और यका यकी अपनी आंखों से वो सब कुछ जिसकी खबर दी जा रही है देख रहे होंगे उस वक्त ये कहेंगे हाय हमारी कमबख्ती ये तो योमुल जजा है यानी योदी ये तो यो बदले का दिन आ गया है ये वही फैसले का दिन है जिसे तुम झटलाया करते थे हुक्म होगा घेर लाओ सब ालिमों और उनके साथियों महबूदों को जिनकी वो खुदा को छोड़कर कर बंदगी किया करते थे फिर इन सब को झलों का रास्ता दिखाओ और जरा इन्हें ठहराओ इनसे कुछ पूछना है क्या हो गया तुम्हें अब क्यों एक दूसरे की मदद नहीं करते अरे आज तो ये अपने आप को एक दूसरे के हवाले किए दे रहे हैं इसके बाद ये एक दूसरे की तरफ मुड़ेंगे और बाहम तकरार शुरू कर देंगे पैरवी करने वाले अपने पेशवाओं से कहेंगे तुम हमारे पास सीधे रुख से आते थे वो जवाब देंगे नहीं बल्कि तुम खुद ईमान लाने वाले ना थे हमारा तुम पर कोई जोर ना था तुम खुद ही सरकश थे सीधे रुख से आते थे मतलब तुम ताकत से हमारे पास आते थे तर्ज में आखिरकार हमने अपने रब के इस फरमान के मुस्तक हो गए कि हम अजाब का मजा चखने वाले हैं सो हमने तुमको बहकाया हम खुद बहके हुए थे इसी तरह वो सब उस रोज अजाब में मुश्तर होंगे हम मुजरमों के साथ यही कुछ किया करते हैं ये वो लोग थे जब इनसे कहा जाता अल्लाह के सिवा कोई मबूदे पर हक नहीं है तो ये घमंड में आ जाते थे और कहते थे क्या हम एक शायर मजनू की खातिर अपने महूदों को छोड़ दें हालांकि वो हक लेकर आया था और उसने रसूलों की तस्दीक की थी अब इनसे कहा जाएगा कि तुम लाजमत दर्दनाक सजा का मजा वाले हो और तुम्हें जो भी बदला दिया जा रहा है चीदा बंदे बद से महफूज होंगे उनके लिए जाना बूझा रिस्क है हर तरह की लजीज चीजें हैं और नियमत भरी जन्नतें हैं जिनमें वो इज्जत के साथ रखे जाएंगे तख्तों पर आमने सामने शर, बैठेंगे शराब के चश्मों से सागर भर भर कर उनके दरम्या फिराए जाएंगे आम शराब जो है वो इंसान की मुतासर करती है सेहत के हर पहलू से इंसान की सेहत को मुतासर करती है लेकिन ये एक ऐसी शराब होगी जो कि इंसान के लिए ए, मजे में भी अच्छी होगी और सेहत और दिमाग को भी मुतासर नहीं करेगी चमकती हुई शराब जो पीने वालों के लिए लज्जत होगी ना उनके जिसम को इससे कोई जरर होगा और ना उनकी अकल इससे खराब होगी उनके पास निकाहें बचाने वाली खूबसूरत आंखों वाली औरतें होंगी ऐसी नाजुक जैसे अंडे के छिलके के नीचे छुपी हुई झिल्ली यानी इसके बारे में जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं वो वो तो यूं कि कि जैसे अंडे कि हैं लेकिन हजरत उम्मे सलमा कहती हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उनकी नरमी और नजाकत उस झिल्ली जैसी होगी जो अंडे के छिलके और उसके गुदे के दरमियान होती है फिर वो एक दूसरे की तरफ मुतवजो के हालात पूछेंगे इनमें से एक कहेगा दुनिया में मेरा एक हम नशीन था जो मुझसे कहा करता था क्या तुम भी तस्दीक करने वालों में से हो क्या वाकई जब हम मट के मिट चुके होंगे और मिट्टी हो जाएंगे और हड्डियों का पिंजर बनकर रह जाएंगे तो हमें जजा और सजा दी जाएगी अब क्या आप लोग देखना चाहते हैं कि वो साहब अब कहा है ये कहकर जू ही वो झुकेगा तो जहन्नुम की गहराई में उसको देख लेगा और उससे खिताब करके कहेगा खुदा की कसम तू तो मुझे तबाह कर देने वाला था मेरे रब का फजल शामिल हाल ना होता तो आज मैं भी उन लोगों के साथ खड़ा होता जो पकड़े हुए आए हैं अच्छा तो क्या अब हम मरने वाले नहीं है मौत जो हमें आनी थी वो बस आ चुकी अब हमें कोई अजाब नहीं होना यहाँ से पता चलता है कि बहरहाल के आमद के दिन इंसान की बसीरत और इंसान के फासलों की कैफियत जो है वो फर्क हो जाएगी आज जिन बातों का मफोम हमारे लिए फर्क है उन बातों के मफहमत वहां पर जाके फर्क हो जाएंगे यकीन अजीम शान कामयाबी है ऐसी कामयाबी के लिए अमल करने वालों को अमल करना चाहिए बोलो ये जियाफत अच्छी है यह जकूम का दरख्त हमने उस को के लिए फितना बना दिया है वो एक दरख्त है जो जहन्नुम की तह से निकलता है उसके शगुफे ऐसे हैं जैसे शैतानों के सर जहनुम के लोग उसे खाएंगे और उसी से पेट भरेंगे फिर इस पर पीने के लिए उनको खोलता हुआ पानी मिलेगा और उसके बाद उनकी वापसी उसी आतिश दोजक की तरफ होगी ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने बाप दादा को गुमराह पाया और उन्हीं के नक्शे कदम पर दौड़ चले हालांकि इनसे पहले बहुत से लोग गुमराह हो चुके थे और उनमें हमने तंबी करने वाले रसूल भेजे थे अब देख लो कि उन तंबी करने वालों को क्या अंजाम हुआ इस अंजामी से बस अल्लाह के वही बंदे बचे हैं जिन्होंने अपने लिए जिन्हें उसने अपने लिए खालिज कर लिया है हमको इससे पहले नूह ने पुकारा था तो देखो हम कैसे अच्छे जवाब देने वाले थे हमने उसको और उसके घर वालों को कर्ज करब अजीम से बचा लिया वज ना हो वह अहल मिनल करबिल अजीम आज नंबर है की जब किसी वाकई कर्ब वाली कैफियत में इंसान गुजर रहा हो तो व नजयी ना हूँ वह अहलहू मिनल करबिल अजीम तो अल्लाह तला से पढ़नी चाहिए कि हमने उसे और उसके घर वालों को करब अजीम से बचा लिया उसी की नस्ल को बाकी रखा और बाद की नस्लों में उसकी तारीफ व तसीफ़ छोड़ दी सलाम है नूह पर तमाम दुनिया वालों में हमने की करने वालों को ऐसी ही जजा दिया करते हैं कर, हकीकत वो हमारे बंदों में से था फिर दूसरे गिरोह को हमने कर दिया अनूल्लाम ही के तरीके पर चलने वाला इब्राहिम था जब वो अपने रब के हजूर कलब सलीम लेकर आया जब उसने अपने बाप और अपनी कौम से कहा ये क्या चीजें हैं जिनकी तुम इबादत करते हो क्या को छोड़ झूठ घड़े हुए मबूत चाहते हो कि अल्लाह रब्लम के बारे में तुम्हारा क्या गुमान है आखिर अल्लाह रब्लम के बारे में तुम्हारा क्या गुमान है फिर उसने तारों पर एक निगहार डाली और कहा मेरी तबीयत खराब है वो उसे छोड़कर चले गए बाज कहते हैं कि ये ने कोई बहाना गढ़ा था लेकिन हमारे पास कोई दलील नहीं है कि वाकई उनकी तबीयत खराब नहीं थी तर्जमा उनके पीछे वो चुपके से उनके महबूदों के मंदिर में घुस गया और बोला आप लोग खाते न क्यों नहीं है क्या हो गया आप लोग बोलते भी नहीं है इसके बाद वो उन पर पिर पड़ा और सीधे हाथ से खूब जरबे लगाई वापस आकर वो लोग भागे भागे उसके पास आए उसने कहा क्या तुम अपनी ही तराशी हुई चीजों को पूछते हो हालांकि अल्लाह ही ने तुमको भी पैदा किया और उन चीजों को भी जिन्हें तुम बनाते हो उन्होंने आपस में कहा इसके लिए एक अलाव तैयार करो इसे दहकती हुई आग के ढेर में फेंक दो उन्होंने इसके खिलाफ एक कार्रवाई करनी चाहिए मगर हमने उन्हीं को नीचा दिखा दिया इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा मैं अपने रब की तरफ जाता हूँ वही मेरी रहनुमाई करेगा ए परवरदिगार मुझे एक बेटा अता कर जो सोलो सालहों में से हो रबी सोलहीन ये बेटे के लिए दुआ जो है वो इंसान ये ये पे कर सकता है आयत नंबर है, सु है की मिन हबलीमिन सोलहीन ए रब मुझे एक बेटा अता कर जो सोलेह में से हो सालों में से हो इस दुआ के जवाब में हमने इसको एक हलीम गुरदबार लड़के की बशारत दी वो लड़का जब उसके साथ दौड़ धूप करने की उम्र को पहुंच गया तो एक रोज़ अबर... इब्राहिम ने उससे कहा बेटा मैं ख्वाब में देखता हूँ तुझ्बा कर रहा हूँ अब तू बता तेरा क्या ख्याल है उसने उसने जवाब कहा जान, जो कुछ आपको हुक्म दिया जा रहा है इसे कर डालिए आप इंशाल्लाह मुझे साबिरों में से पाएंगे आखिर को जब उन दोनों ने सर तस्लीम कम कर दिया और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बेटे को माथे के बल गिरा दिया और हमने निदा दी के इब्राहिम तूने ख्वाब सच्चा कर दिखाया नेकी करने वालों को हम ऐसी ही जजा देते हैं यकीन एक खुली आजमाइश थी और हमने एक बड़ी कुर्बानी में देकर उस बच्चे को छुड़ा लिया उसकी तारीफ और तोीफ़ हमेशा के लिए बात की नस्लों में छोड़ दी सलाम है इब्राहिम पर हम नेकी करने वालों को ऐसी ही जजा देते हैं यकीनन वो हमारे मोमिन बंदों में से था अब ये अः देखा जाए तो ये एक वाक्यतन वाक्यतन इंसान अपनी जिंदगी में जिस चीज का सबसे ज्यादा मुश्किल तस्वूर कर सकता है वो यही है कि वो अपनी औलाद को खुद अल्लाह के हाथ में अल्लाह की राह में कुर्बान कर दे या अपने हाथों से उसको इस तक पहुँचाए और ज़ाहिर ये एक बहुत मुश्किल स्टेप है, मुश्किल है, मुश्किल है। लेकिन हजरत इब्राहिम ले की जो खसूसियात हम पढ़ते आ रहे हैं इसीलिए बुलंद भी अता किया था कि जो खसूसियात पढ़ते आ रहे हैं उनमें बड़ी वाज बात यह है कि वो अल्लाह के मामले में किसी किस्म का कोई भी कम्प्रोमाइज नहीं करते थे और जहां उनको समझ में आता था कि ये स्टेप अल्लाह की तरफ लेके जाने वाला है या अल्लाह की जानब से है वो वहां पे कदम उठा देते थे एक टेक्स्ट है मंजर देखा कि एक बूढ़ा बाप अपने लौते जिगर गोशे की गर्दन पर छुती छुरी चलाना चाहता है अपने महबूब बच्चे को जिबा करना चाहता है बुढ़ापे के सहारे को कुरबान करना चाहता है दिल पर क्या गुजरी होगी बाप तो बाप ही होता है हर बाप अपने बारे में जरा तस्वुर कि इब्राहिम कैसे ना तैयार होतेम था सच्चे थे वफ़ादार थे मुखलिस और हनीफ थे वो खुदा से कह चुके थे आजमाइश सख्त थी जमीन आसमान लरस गयोंगे मगर इब्राहिम इस्तकाल के पैकेट थे सब्र रजा की मिसाल थे बेशक बेटा प्यारा था मगर खुदा इससे ज्यादा प्यारा शफीक और नर्म दिल पाप जान से ज्यादा अजीज बेटे की गर्दन पर तेज छुरी फेर नहीं जाते थे इब्राहिम तूने अपना सच कर दिखाया खुदा ने तुम्हारी कुर्बानी कबूल कर ली मेढे के गले पर छुरी फेर कर अपने जज्बात की तहसीन जज्बात की तस्कीन करो कुर्बानी जानसारी फुर्दगी फिदाकारी सरफरोशी और वफादारी की कैसी बेमिसाल जज्बात थे इस इमाम इंसानियत के सीने में सोचिए तो ऐसी रिक्कत तारी होती है कि तस्वूर की क़ुतें जवाब देने लगती हैं और अपनी बेबसी का एहसास जताने लगता है कि हम तो इन जज्बात की नकल भी नहीं कर सकते हमारी जबान में ताकत नहीं कि इन जज्बात के लिए अपने लफ्सों में अपने दुआ कर सकें कितना अजीम एहसान है मोहसिन आजम कहा कि आप सर ने हमारी बेबसी का एहसास फरमाया और हमें कुरबानी की दुआ सिखाई जानवर झब्बा करते वक्त हमारे सीनों में कुरबानी और जानसारी के क्या जज्बात होने चाहिए दुआ के अल्फाज से हमें यह मालूम होती है दुआ के अल्फाज दोहरा कर हम अपने रब से भीख मांगते हैं कि परवरदिगार हम तेरे खलील की नकल कर रहे हैं अमल से भी और जबान से भी परवरदिगार तो अपने कर्म से हमारे सीनों में जज्बात पैदा कर दे और सुन्नत इब्राहिम को जिंदा रखने वालों में हमारा शुमार कर दे करते वक्त जो अल्फाज हम पढ़ते हैं उसका एक एक लफ्ज़ इस लायक है कि हम इस पर गौर करें और फिर जानवर जबा करते वक्त और शोर के साथ ये दुआ पढ़ें कि मैंने अपनी पूरी के साथ अपना रुख उस खुदा की तरफ कर लिया जिसने आसमान और जमीन को पैदा किया मैं ठीक इस तरीके का पैरुकार हूँ जो इब्राहिम इस्लाम का तरीका था और मैं शेर करने वालों में से नहीं हूँ बिलाशुबा मेरी कुरबान नमाज मेरी कुर्बानी मेरी जिंदगी और मेरी मौत सब कुछ रबालमीन के लिए है उसका कोई शरीक नहीं इसी का मुझे हुक्म दिया गया और मैं फर्मा बंदों में से हूँ के अंदर ये एहसास पैदा करती है कि हज़रत इब्राहिम ने तो अपने वक्त में जो जिम्मेदारी अदा करनी थी वो कर दी आगे से दरअसल फिर ये हमारा काम है कि हम उस चीज उस रूह को समझे उस कर्बानी की रूह को समझें उस कैफियत को समझे जिससे हज़रत इब्राहिम गुजरे थे और उसी जज्बे को अपने अंदर ताज़ा रखें कुर्बानी करते हुए जो कि हमें वाक्यता अल्लाह तला के साथ जोड़ने वाला हो उसके अंदर अः ये हमें पता हो कि ये अल्लाह ताला की नेमत का शुक्र गुजारी है यह हमें पता हो कि जो अल्लाह ताला ने हमें माल दिया है या हम उसकी अः उस अल्लाह की राह में एक तरह से कुर्बान करके अल्लाह की रजा चाहते हैं और इस बात की अल्लाह तला ने जो निशानियाँ रखी है बरकत दी अब इन दोनों की जरूरत में से कोई मोहसिन है और कोई अपने नफ़ पर शरीर जुल्म करने वाला है और हमने मूसा और हारून असलाम पर एहसान किया और उनको और उनकी कौम को करब अजीम से निजात दी और उन्हें नुसरत बख्शी जिसकी वजह से वो गालिब रहे उनको नहायत वाज किताब अता की उन्हें राह रास् दिखाई और बाद की नस्लों में उनका जिक्र खैर बाकी रखा सलाम ए मूसा हारून पर हम की करने वालों को ऐसी इज़ा देते हैं और दर हकीकत वो हमारे बंद, मोमिन बंदों में से था में से थे और इलियास भी यकीन मरसलिन में से आ, था इलियास का तस्करा कुरान ने दो ही जगह पर किया एक यहाँ पर एक इससे पहले सूर्या नाम में गुजरा है याद करो और इलियास ने उस जमाने में बहुत बड़ा देवता बाल की परिस्थिति होती थी और बड़े वसी इलाके के ऊपर बाल देवता की परस्त होती थी इलियास ने उसके खिलाफ जुदोजहद की थी याद करो जब उसने अपनी कौम से कहा क्या तुम लोग डरते नहीं हो कि क्या तुम बाल को पुकारते हो और अहसन को छोड़ देते हो उस अल्लाह को जो तुम्हारा और तुम्हारे अगले पिछले अबाद का रब है मगर उन्होंने उसे झुटला दिया सो अब यकीन वो सजा के लिए पेश किए जाने वाले हैं बजुज उन बंदगा खुदा के जिनको खालिज कर लिया गया था और इलियास का जिक्र जिक्र खैर हमने बाद की नस्लों में बाकी रखा सलाम है इलियास पर हम नेकी करने वालों को ऐसी ही जज़ा देते हैं बाकी वो हमारे मोमिन बंदों में से था और लूद भी उन्हीं लोगों में से था जो रसूल बनाकर भेजे गए हैं याद करो जब हमने उसको और उसके सब घर वालों को निजात दी सिवाय एक बुढ़िया किए जो पीछे रह जाने वालों में से थी फिर बाकी सबको तहस नश कर दिया आज तुम शबो रोज उनके जुड़े दया पर से गुजरते हो क्या तुमको अकल नहीं आती और यकीनन यूनुस भी रसूलों में से था याद करो जब वो एक भरी कश्ती की तरफ भाग निकला और फिर अंदाज़ी में शरीक हुआ और उसमें मात खाए ये आपको थोड़ा सा अंदाजा होता होगा जो लोग मुस्तकिल सुन रहे हैं कि कुरान आस्ता 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 छोटे-छोटे पहलू जो है एक ही वाक्य के खोलता रहता है ترجمہ اور اخرکار مچھلی نے اسے نگل کیا لیا اور وہ ملامت جدا تھا अब अगर वो तस्वीर करने वालों में से शाम में से ना होता तो रोजे की आमद तक इसी मछली के पेट में रहता आखिरकार हमने उसे बड़ी सकीम हालत में एक जमीन पर फेंक दिया और उस पर एक बेलदार उगा दिया मैंने आपको पहले भी बताया था या मैं फिर आपको थोड़ा सा पढ़ के बताती हूँ कि अगस्त 1891 में एक जहाज पर कुछ मछेरे बेल की शिकार के लिए गहरे समंदर में गए वहां उन्होंने एक बहुत बड़ी मछली को जो काफी बड़ी थी सख्त सक जख्मी कर दिया मगर उसे जंग कर कर, जंग करते हुए जेम्स बार्टले नामी एक मछेरे को उसकी साथियों की आंखों के सामने मछली ने निकल लिया दूसरे रोज वही मछली इस जहाज के लोगों को मरी हुई मिल गई उन्होंने बमुश्किल उसे जहाज पर चढ़ाया और फिर तवील जद जो, के बाद जब उसका पेट जा तो बाटले उसके अंदर से जिंदा बरामद हो गया ये शख्स मछली के पेट में पूरे साठ घंटे रहा था यानी ये तो एक वो मौजूदा दौर की बात है नाइनटीन एटी वन की लेकिन ये तो मौजा था जो कि फेजियन इस्लाम के साथ हुआ था तर्जमा उसके बाद हमने उसे एक लाख के से ज्यादा लोगों की तरफ भेजा वो ईमान लाए और हमने एक वक्त खास तक उन्हें बाकी रखा फिर जरा इन लोगों से पूछो क्या इनके दिल को ये बात लगती है कि तुम्हारे रब के लिए तो हूं और ये लोग अपनी मंगरत बात, मंगरत से ये बात कहते हैं कि अल्लाह औलाद रखता है और फिर वाकई झूठे हैं कि अल्लाह ने बेटों के बजाय बेटियां अपने लिए पसंद कर ली तुम्हें क्या हो गया है कैसे हुक्म लगा रहे हो क्या तुम्हें होश नहीं आता या फिर तुम्हारे पास अपनी इन बातों के लिए कोई साफ सनद है तो लाओ अब अग, अगर अपनी वो किताब अगर तुम सच्चे हो उन्होंने अल्लाह और मलाइका के दरमियान नस, नसब का रिश्ता बना रखा है हालांकि मलाइका खूब जानते हैं कि ये लोग मुजरम की हैसीयत से पेश होने वाले हैं और वो कहते हैं कि अल्लाह उनसे से पाक है जो उसके खालिस बंदों के सिवा दूसरे लोग उसकी तरफ मनसूब करते हैं पसस्म और तुम्हारे ये मबूद अल्लाह से किसी को फेर नहीं सकते मगर सिर्फ उसको जो दोजक की भड़कती हुई आग में झुलसने वाला हो और हमारा हाल तो ये है कि हम में से हर एक का एक मकाम मुकर है और हम सब पस्ता खिदमत हैं और तस्वीर करने वाले हैं ये लोग पहले, तो पह, लो पहले तो कहा करते थे कि काश हमारे पास वो होता, जो पिछली कौमों को मिला था तो हम अल्लाह के चीदा बंदे होते मगर जब वो आ गया तो उन्होंने उसका इनकार कर दिया अब अनकरीब उन्हें इस रविश का नतीजा मालूम हो जाएगा अपने भेजे हुए बंदों में हम पहले ही वादा कर चुके हैं कि यकीन उनकी मदद की जाएगी और हमारा लश्कर ही गालिब होकर रहेगा बस तो एन नबी सल्लम कुछ मुद्दत तक के लिए उनके हाल पर छोड़ दो और देखते रहो अंकरीब ये खुद भी देख लेंगे क्या ये हमारे अजाब के लिए जल्दी मचा रहे हैं जब वो इनके सहन में उतरेगा तो वो दिन उन लोगों के लिए बहुत बुरा होगा अल्लाह तला हमें महफूज रखे जिन्हें मुतनबे किया जा रहा है पर सरा इन कुछ मुद्दत के लिए छोड़ दो देखते रहो अंक्रीब ये खुद देख लेंगे पाक है तेरा रब इज़्ज़त का मालिक उन सब बातों से जो ये लोग बना रहे हैं और सलामसलिन पर वसलामरसलिनदल रबालमीन सुबहान रबी का रबिला अम्मा या सिफ़ून वसलामुरसलिन वहमदिल्ला रबीआलमीन ये मशहूर आयात है कुरान की पाक है तेरा रब इज़्ज़्ज़्ज्ज़्जत का मालिक उन सब बातों से जो ये लोग बना रहे हैं और सलाम मरसलिन पर और सारी तारीफ़ अल्लाह रबालमीन ही के लिए है ये थी। आगे सौद और आपस में जोड़ा है सूर्य सौद जो है इसके बारे में मुख्तलिफ रिवायात मिलती हैं कि ये किस मौके पर नाजिल हुई थी लेकिन इतना पता चलता है कि बहरहाल कुरैश के कुछ लोगों ने नबी करीम के साथ या तो हजरत अबू तालिब के साथ जब उनका विशाल का वक्त करीब था उस वक्त गुफ्तु थी या फिर आम हालात में हजरत अबू तालिब के पास या फिर हजरत उमर रजी के ईमान लाने के ऊपर ये लोग बुखला गए थे और उसमें जो वाक्य मिलता है जो खास तौर पर मशहूर जो वाक्य है कि ये लोग जब आए हैं हजरत अबू तालिब के पास उन्होंने महसूस किया कि आखिरी वक्त का है तो जाके कहा कि हजरत मोहम्मद हजरत अब से, से जाकर बात की जाए चुनाचे इनमें से 25 सरदार जो थे वो आए और आकर उन्होंने कहा कि आपका भतीजा हमारे दिन को छोड़ दें हम इससे उसके दीन के ऊपर छोड़ देते हैं वो जिस महबूद की बात करना चाहे करें हमें से कोई तारुस नहीं मगर वो हमारे मबूदों की मजम्मत ना करे और ये कोशिश ना करे कि हम अपने मबूदों को छोड़ दें इस पर हम सुलह कर देंगे अब तालि ने नबी करीम को बुलाया और कहा कि भतीजे ये तुम्हारी कौम के कुछ लोग आए हैं इनकी ख्वाहिश है कि तुम एक बात पर से कर लो और उनका तुम्हारा ताकि उनका झगड़ा जो है वो खत्म हो जाए फिर उन्होंने वही बात की जो कुरैश ने कहा था तो नबी करीम ने कहा चाचा जान मैं तो उनके सामने एक ऐसा कलमा पेश करता हूँ की अगर ये मान लें तो अरब का ताबे फरमान और अजब इनका बात गुजार हो जाएगा ये सुनकर वो लोग सटपट आए उनकी समझ में नहीं आता था कि आखिर ऐसे मुफीद कलमे को वो क्यों रद्द करें लेकिन फिर आखिर में कुछ संभल कर बोले तुम एक कलमा कहते हो तुम दस कलमे को तो हम पढ़ेंगे लेकिन ये बताओ वो कलमा है क्या आपने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह इसके ऊपर वो फिर सब नाराज होकर उठ गए और ये कहते हुए चले गए बातें की जो कि सूरत के बिल्कुल शुरू में लिखी गई है ना नाई है सूरह यह सौदे बाकी सूरत है सर्जमा है कसम है नसीहत सौद कसम है नसीहत भरे कुरान की बल्कि यही लोग जिन्होंने मानने से इनकार किया सख्त कब्बर और जिद में मुतला है इनसे पहले हम ऐसी कितनी कौमों को हलाक कर चुके हैं और जब इनकी शामत आई तो वह चीख उठे मगर वो वक्त बचने का नहीं होता इन लोगों को इस बात पर बड़ा ताजुब हुआ है कि एक डराने वाला खुद उन्हीं में से आ गया है। मुनकरीन कहने लगे ये साहिर है ये सख्त झूठा है क्या इसने सारे खुदाओं की जगह बस एक ही खुदा बना डाला है ये तो बड़ी अजीब बात है और सरदारान कौम ये कहते हुए निकल गए कि चलो और डटे रहो अपने महबूदों की इबादत पर यह बात तो किसी और ही गर्ज से कही जा रही है ये बात हमने जमाने करीब की मिल्ल में कहीं से नहीं सुनी ये कुछ नहीं है मगर एक मन घड़त बात क्या हमारे दरमियान बस यही एक शख्स रह गया था जिस पर अल्लाह का जिक्र नाजिल कर दिया गया असल बात यह है कि मेरे जिक्र पर शक कर रहे हैं ये सारी बातें इसलिए कर रहे हैं कि उन्होंने मेरे अजाब का मजा चखा नहीं है क्या तेरे दाता और गालिब परवरदिगार की रहमत के खजाने इनके कब्जे में है क्या ये आसमान और जमीन उनके दरमियान की चीजों के मालिक है अच्छा तो ये में इस बाप की बुलंदियों पर चढ़ कर देखें। ये तो जत्थों में से एक छोटा सा जत्था है जो इसी जगह शिकस्त खाने वाला है इनसे पहले नूह की कौम और आद और मेखों वाला फिर और समूद और कौम लूत और एका वाले झुटलाए जा चुके हैं जत्थे वो थे इनमें से हर एक ने जसूलों को झुटलाया और मेरी अकूबत का फैसला उस पर चस्पा होकर रहा ये लोग बस एक धमाके के मुंतजिर है जिसके बाद कोई दूसरा धमाका ना होगा और ये कहते हैं हमारे रब ये पहले ही हमारा हिस्सा हमें दे जल्दी से दे दे किसी का माइक खुला है प्लीज माइक बंद कर लीजिए ए नबी सबर को उन बातों पर जो ये लोग बनाते हैं और उनके सामने हमारे बंदे दाऊद का किस्सा बयान करो जो बड़ी कुतों का मालिक था जद दाऊद स्ल्लाम का तस्कर आ रहा है और यानी वो ताकत वाले कुवतों वाले थे और उनकी मुख्त कुतें थी जिसमें जिसमानी ताकत भी थी फौजी ताकत भी थी बादशाही भी इसके अंदर थी हुकूमत फरमा रवाई भी इसके अंदर थी और वो इबादत के अंदर भी एक वक्त जो है वो गुजारा करते थे नबी करीम सल्लम ने हज़रत दाऊद के बारे में कहा करते थे कि वो सबसे ज्यादा इबादत गुजार आदमी थे ए नबी सबर करो उन बातों पर जो ये लोग बनाते हैं इनके सामने हमारे बंदे दाऊद का किस्सा बयान करो जो बड़ी कुतों का मालिक था हर मामले में अल्लाह की तरफ रजू करने वाला था कल इनशा तला हम इनाब का लफ्ज जो है इनाबत अल्लाह या फिर रजू अल्लाह इसको हम इनशा तला देखेंगे यहाँ जो बिया की खसूसियात आ रही है आप इसको ध्यान से सुनते जाए जो जिसमें कि वो बार बार करता है, गुरान के वो रुजू करने वाले थे मैं तर्जमा द्वारा पढ़ती हूँ हर मामले में अल्लाह की तरफ रुजू करने वाला था हमने पहाड़ों को उसके साथ मुशर कर रखा था कि सुबह शाम वो उसकी तस्वीर करते थे पुरिंदे सिमट आते थे और सब के सब उसकी तरफ उसकी तस्वीर की तरफ मुतवज हो जाते थे हमने उसकी सल्तनत मजबूत कर दी थी उसको हिकमत अता की थी और फैसला कुन बात कहने की सलाहियत बख्शी थी फिर तुम्हें कुछ खबर भी है उन मुकदमे वालों की जो दीवार पर चढ़कर उसके बाला खानों में गए थे अब ये दो तीन वाक सौद के ऐसे हैं जो कि मुश्किल हैं जिनकी कोई तफसीर ज्यादा नहीं मिलती हैं और मुफसरीन ने फिर मुख्तलिफ़ उसके मकूम जो हैं वो बयान किए हैं उनमें से एक वाक्य ये है उन मुकदमे वालों की जो दीवार चढ़कर उसके बाला खाना में घुस आए थे जब वो दाऊद के पास पहुंचे तो उन्हें देख कर घबरा गया उन्होंने कहा डरिए नहीं हम दो फ्रीक मुकदमा हैं जिनमें से एक ने दूसरे प्रजाति की है आप हमारे साथ ठीक ठीक हक के साथ फैसला कर दीजिए बेसाफी ना कीजिए और हमें राय रास बताइए ये मेरा भाई है इसके पास निन्यानवे दुम्बिया है और मेरे पास एक ही दुमबी है इसने मुझसे कहा कि एक दुम्बी भी मेरे हवाले कर दीजिए और उसने गुफ्तु में मुझे दबा लिया दाऊद ने जवाब दिया इस शख्स ने अपनी दुमबियों के साथ तेरी दुमबी मिला लेने का मुतालबा करके यकीन तुझ पर जुलम किया और वाक यह है कि मिलजुल कर साथ रहने वाले लोग अक्सर एक दूसरे पर ज्यादिया करते रहते हैं बस वही लोग इससे बचे हुए हैं जो ईमान रखते हैं और अमले साले करते हैं और ऐसे लोग कम ही है ये बात कहते कहते वो समझ गया कि ये तो हमने दरअसल उसकी आजमाइश की है अब यहाँ पे पता चलता है हजरत दाऊद अलाम से पहले ही कोई मामला था हुआ जो कि उनका पहले से अल्लाह तला के साथ कोई मामला था और उसमें जब उन्होंने ये मामला जब उन्होंने इसका फैसला किया तो उन्होंने समझ में आया कि जो चीज मैं पहले कह रहा हूँ ये तो मैं खुद ही उसके खिलाफ उसके बाद कर रहा हूँ बहर उन्होंने उसको समझा अपनी गलती को समझा और उन्होंने उस पर माफी मांगी आयत सजद मैं पढ़ती हूँ फिर इनशाला तदा करते हैं नाजो उसने अपने रब से माफ़ी मांगी और सजदे में गिर गया और रजू कर लिया फ़गफ़र अलहू इन्ना इन दना लजुल्फोस्ना आप हस्तफ़र अल रबा हूँ आप वो अल्ला अपने रब से माफ़ी मांगी और सजदे में गिर गया दोबारा वापस आती हूँ आगे हमने उसे कहा, ए हमने तुझे जमीन में खलीफा बनाया है लिहाजा तू तो लोगों के दरम्यान हक के साथ हुकूमत कर और ख़्वाहिश नफ्स की पैरवी ना कर कि वो तुझे अल्लाह की राह से भटका देगी जो लोग अल्लाह की राह से भटकते हैं यकीन उनके लिए सख्त अजाब है कि वो योम को भूल गए हैं हमने इस आसमान और जमीन को इस दुनिया को जो उनके दरम्यान है फजूल पैदा नहीं कर दिया ये तो उन लोगों का गुमान है जिन्होंने कुफर किया और ऐसे काफ़रों के लिए बर्बादी है जहनम की आग से क्या हम उन लोगों को जो ईमान लाते और नेकमाल करते हैं और उनको जो, जो जमीन में फसाद करने वाले हैं यक्सा कर देंगे क्या मुतकीयों को हम फाजरों जैसा कर देंगे ये एक बड़ी बरकत वाली किताब है जो ए मोहम्मद वसल्लम हमने तुम्हारी तरफ नाजिल की है ताकि लोग उसकी आयात पर गौर करें और अकरोफिक्रखने वाले इससे सबक लें और दाऊद को हमने सुलेमान जैसा बेटा ताकिया बेहतरीन बंदा कसरत से अपने रब की तरफ रजू करने वाला काबिल है वो मौका जब शाम के वक्त उसके सामने खुद खूब सुधे हुए तेज रोग घोड़े पेश किए गए तो उसने कहा मैंने इस माल की मोहब्बत अपने रब की याद की वजह से अख्तियार किया यहाँ तक कि जब वो घोड़े निकाह उजड़ हो गए तो उसने हुक्म दिया कि उन्हें मेरे पास वापस लाओ फिर लगा उनकी पिड़ियों और रानों पर हाथ फेरने अब यहाँ से ये भी जो वाक्य है इसकी भी मुख्तलिफ तफस्िर की गई है जितनी और जाहिर है वो सारी की सारी चीज़ें जो है वो मुख्तलिफ अफराद ने मुख्तलिफ अंदाजे लगा कर बताई हैं सिर्फ जितनी बात समझ में आती है वो ये है कि हज़रत सलेमानसम ने इस बात को समझा कि ये माल है ये दुनिया का माल है और ये दुनिया ही की चीज़ है क्योंकि वो कुरान आगे जो आगे अल्फाज आ रहे हैं वो उनके लिए अल्फाज यूज़ करता है कि अल्लाह की जानब रुझू करने वाला था तर्जमें देखो सुलेमान को भी हमने आजमाइश में डाला और उसकी कुर्सी पर एक जस्त लाकर डाल दिया फिर उसने रजू किया हजरत का बेटा जो था वो नाअहल निकला था और हालांकि हजरत सलीमान ने दुआ की थी कि मेरी बादशाही ऐसी दे जो मेरे बाद किसी के लिए सजावार ना हो यानी अपने बेटे के लिए भी उन्होंने उसमें दुआ मांगी थी तो अल्लाह ने फिर वो दुआ जो थी वो उससे उन्होंने उससे रुजू किया कहा है मेरे रब मुझे माफ कर दे मुझे वो बादशाही दे जो मेरे बात किसी के लिए सजावार ना हो बेशक तू ही असल दाता है तब हमने उसके लिए हवा को मुशर कर दिया जो उसके हुक्म से नरमी के साथ चलती थी जिधर वो चाहता था और शातीन को मशर किया हर तरह के मामार और गोताखोर और दूसरे जो पाबंदे सलासल थे हमने उससे कहा यह हमारी बख्शिश है तुझे इख्तियार है जिससे चाहे दे और जिससे चाहे रोक ले कोई हिसाब नहीं यकीन उसके लिए हमारे यहाँ तकारुब का मकाम और बेहतर अंजाम है और हमारे बंदे याब का जिक्र जिक्र करो जब उसने अपने रब को पुकारा कि शैतान ने मुझे सख्त तकलीफ और में डाल दिया हमने उसे हुक्म दिया अपने पाँव जमीन पर मार ये है ठंडा पानी पीने के लिए नहाने के लिए हमने उसे उसके वापस कर दिया और उसके साथ उतने ही और भी दिए यानी बाद में भी फिर उनकी औलाद हुई अपनी तरफ से रहमत के तौर पर और अक्र फिक्र रखने वालों के लिए दर्श के तौर पर हमने उसे कहा तिनको का एक मुठ्ठा मार ले और उससे उसे मार दे अपनी कसम ना तोड़ अब ये फिर ये वाक्य ऐसा है जिसके बारे में कोई वजाहत नहीं मिलती है जो लोग कहते हैं के उन्होंने अपनी बीवी को कुछ अः से नाराजगी थी और उसके ऊपर कसम खाई थी कि मैं उसको मारूंगा सो कोड़े तो फिर ये कहा गया कि तुम एक तिनकों का एक मुठ्ठा लो उस पर मार दो और अपनी कसम को ना तोड़ो हमने उसे साबिर पाया था जब मैं बेहतरीन बंदा अपने रब की तरफ रजू करने वाला और हमारे बंदो इब्राहिम और इसहाक और याकूब और का जिक्र करो बड़ी कुत अमल रखने वाले और दीदा दर्द लोग थे हमने उनको एक खालिस्फ की बिना पर बरगजिदा किया था और वो दार आखरत याद थी यकिन हमारे यहाँ उनका शुमार चुने हुए नेक अशास में है और इसमायर और यसा और जुल्कफ्र का जिक्र करो ये सब नेक लोग थे ये एक जिक्र था आप सुनो के मुतकी लोगों के लिए यकीन बेहतरीन ठिकाना है हमेशा रहने वाली जन्नतें जिनके दरवाजे उनके लिए खुले होंगे इनमें वो तकिया लगाए बैठे होंगे खूब खूब फवाके और मशरूबात तलब कर रहे होंगे और उनके पास शर्मीली हमसिन बीवियाँ होंगी ये वो चीजें हैं जिन जिन्हें हिसाब के दिन अता करने का तुमसे वादा किया जा रहा है ये हमारा रिस्क है जो कभी ख़त्म होने वाला नहीं है अभी हम आज इतना ही रखते हैं आ, हमारा टाइम चूंकि मुकम्मल हो गया है इनशाला कल हम इनाबत अल्लाह यानी रजू अल्लाह के ऊपर बात करेंगे अल्लाह तला कबूल करे जो आज हमने बात को समझा है और हमें वाकई दीन को समझने वाला कुरान का फहम रखने वाला कुरान को वाकई हमारे दिल की बहार बनाए और ना सिर्फ ये हमारे दिल की बहार बनाए बल्कि हमें उसका दाई बनाए उसको आगे फैलाने वाला बनाए अपनी अपनी सतात और तफीक के मुताबिक अल्लाह तला हमसे ये जिम्मेदारी ले

اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اجعل في قلبي نورا وفي <applause> بصري <applause> نورا وفي سمعي نورا وأن يميني نورا واي يساري نورا وفوقي نورا وتحتي نورا وأمامي نورا وخلفي نورا واجعل لي نورا وفي لساني نورا وعسبي نورا वहमी نورا रऊ व दमी نورا री نورا रो في नूरा نورا जल्फी नफसी नू रो वी नू र आति कर दे हमारे दिलों में नूर और हमारी आंखों में नूर और हमारे कानों में नूर और हमारे दाएं नूर और हमारे बाएं नूर और हमारे ऊपर नूर और हमारे नीचे नूर और हमारे आगे नूर और हमारे पीछे नूर और बना दे हमारे लिए नूर ही नूर और हमारी जबानों में नूर और कर दे हमारे पट्टे नूरानी और हमारा गोश्त नूरानी और हमारा खून नूर नूरानी और हमारे बाल नूरानी और हमारी जिल नूरानी और हमारा नफ्स नूरानी और बढ़ा दे हमारे दे नूर अल्लाह हमें नूर अता फरमा अल्लाह हमें उन लोगों में शामिल करके जो पुकारने वालों की पुकार को सुनने वाले हों ऐसा ना हो कि ये पुकार सिर्फ हमारे कानों के ऊपर से गुजर जाए और कोई असर ना हो या अल्लाह बे को औलाद दे दे और अपने बंदों को लावारिस ना छोड़ अल्लाह ताला हमें सुन्नत इब्राहिमी को जिंदा रखने वालों में कर दे हमारी औलादों को हमारा साथी कर दे, हमारे जोच को हमारा साथी बना दे, हमें उन लोगों में कर दे जो इस दुनिया के माल से जन्नत खरीदने वाले हों हमें दीन के काम में सब का जारिया बनने की तोहफी अता फरमा और हमारी औलादों को भी और हमारे साथियों को भी अल्लाह ताला हमसे राजी हो जाए और हमें खुद से राजी रख आमीन सुम आमीन वालेकुम. जजाकल्ला खैरन के फिर हमारा आज का सेशन इस तरह मुकम्मल हुआ इंशाल्लाह कल फिर से पौने बजे हम इकट्ठे होंगे सलामकुम वरहमल